कहीं भिक्षु धर्म, हम तो हैरान हो गए। मैंने कहा बाप रे बाप, ये धर्म है कि तमाशा है? संतान नबी धर्म। लेकिन यदि इस विषय पर सोचा जाए तो वे धर्म भी अपने आप अपने स्थान पर सही हैं, गलत नहीं है। कैसे? आपने एक वृक्ष देखा होगा, वृक्ष तो बहुत से देखे हैं, और संसार में जितने वृक्ष होते हैं उनकी जड़ होती है जड़। इतना बड़ा देवता के जैसे स्नान इंद्रदेव ही करा सकते हैं, संपूर्ण स्नान मनुष्य नहीं करा सकता। हाँ, भोग लगा सकते हैं, चाहे अन्नकूट के रूप में, चाहे छप्पन भोग के रूप में, चाहे कुनवाड़े के रूप में। गोवर्धन, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को भगवान की सेवा में वर्धन माने वृद्धि प्रदान करने वाली लीला है गोवर्धन लीला। यदि हमारे बस की परिक्रमा लगाना नहीं है तो गिरिराज जी की तलहटी में कहीं भी जाकर के बैठ जाएं, थोड़ी देर गोविंद कुंड बैठ जाएं, जहां इंद्र ने भगवान का गोविंदाभिषेक किया। कभी नवल कुंड पर जाकर के बैठे हैं, जहां राधा रानी श्री ठाकुर जी को नित्य नए श्रृंगार में दर्शन करना चाहती हैं। जब गोलोक से ब्रज में आने की भूमिका बनाई ना ठाकुर जी ने, तब श्री राधा रानी ने वरदान मांगा है श्री कृष्ण से, हम एक शर्त पर भूमि पर चलें, पृथ्वी पर चलें। कौन सी शर्त? कि नित्य नए श्रृंगार में आप हमें दर्शन देते रहो। नवल कुंड पर ठाकुर जी नवल नवल नए नए रूप में श्री राधा रानी को दर्शन देते हैं। अप्सरा कुंड, जहां पर इंद्र ने अप्सराओं के साथ भगवान का अभिवादन किया। सुरभि कुंड, जहां सुरभि गाय भेंट करी है। रावत कुंड, उद्धव कुंड, कहीं भी जाकर के बैठे, देखिए कितनी जल्दी ध्यान भगवान के चरणों में अवस्थित होता है, स्थान का प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण कन्हैया ने जिनको जिस बात का अभिमान था सबका अभिमान दूर किया, नष्ट कर दिया। ठाकुर जी का स्वभाव है, भगवान कभी किसी का अभिमान सहन नहीं करते हैं। भगवान के स्वभाव के बारे में किसी ने लिखा, कली भली दिन चार जब लो मुख मोदी रहे, देत डार सो डार फूली सहे न फूल की। जब तक कली मुख बंद करके है तब तक भगवान उसको डाली पर खूब आनंद लेने देते हैं, जैसे ही वो फूल करके फूल बन जाती है ठाकुर जी झट नीचे डाल देते हैं। एक दिन हनुमान जी के मन में विचार आ रहा है, मैं बड़े बड़े पर्वत उठा लेता हूं, मैं इनके चरण दबाता हूं, कहीं ऐसा ना हो एक हाथ नस चटक जाए, कहीं एक हाथ कोई ठाकुर जी को बहुत ज्यादा जोर से ना दबा दूं, बहुत कोमल हैं, राजकुमार हैं, धीरे धीरे दबाऊं। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, मन की जानने वाले हैं। राम जी ने लीला रची, बोले हनुमान आज थक गए हैं, थोड़ा सा ढंग से शरीर दबा दो। हाँ महाराज दबाता हूं। हनुमान जी वही अपने धीरे धीरे दबाने लगे, बोले थोड़ा ज्यादा थकावट है हनुमान, थोड़ा ताकत लगा दो। हनुमान जी महाराज ने और अपने बल की क्षमता बढ़ा दी, आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा और बल बढ़ाओ हनुमान। धीरे धीरे स्थिति यह आ गई कि हनुमान जी महाराज पसीने पसीने हो गए, लथपथ हो गए, और राम जी बार बार यही कहते रहे, हनुमान थोड़ा और बल लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ। आखिर में हनुमान जी हार करके चरणों में आकर के बैठ गए, बोले महाराज जितना बल था सारा लगा दिया है। राम जी बोले चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे, आज इतना ही पर्याप्त है। लक्ष्मी जी के चरण दबाते दबाते मन में विचार आ गया, ये कभी कछुआ बन के मंदरा चल उठा लेते हैं, ये राम बन करके जाने कहां से कहां तक पैदल यात्रा करते हैं, ये कृष्ण बन करके
गिरिराज उठा लेते हैं, मेरे दबाने से इनको क्या फर्क पड़ता होगा, मैं इतनी कोमल, ये इतने सामर्थ्यवान। बस लक्ष्मी जी का सोचना ही था, ये ठाकुर जी बोले आ लक्ष्मी जरा धीरे। महाराज क्या हुआ? बोले तुमने जोर से दबा दिया, मेरी नस दब गई। महाराज मैंने कहा जोर से दबाया? बोले देखो पैर में निशान पड़ गया है, लक्ष्मी जी के उंगली के निशान श्री ठाकुर जी के चरणों में दिखाई देने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वरुण के दूत नंद बाबा को जमुना जी स्नान करते हुए उठा करके ले गए, समय का भ्रम हो गया था, नंद बाबा सवेरा समझ करके आधी रात में ही यमुना स्नान करने पधारे। कृष्ण कन्हैया वरुण लोक में आए और बहुत बढ़िया बात बताई, हम लोगों के काम आने वाली बात है। बोले जितने तरह के नियम कानून हैं वो कर्म कांड में हैं। मंगलवार को शेविंग मत करना, नौवें दिन घर नहीं आना, कि सवेरे का वजन पूर्व दिशा की ओर, शाम का वजन पश्चिम दिशा की ओर करना, माला को ढककर कहीं भजन करना चाहिए नहीं तो भजन का फल आधा सूर्य ले जाता है आधा इंद्र ले जाता है, आसन बिछा के ही भजन करना चाहिए नहीं तो भजन का फल पृथ्वी ले जाती है। वेद के तीन भाग हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और भक्ति कांड। ज्ञान देवताओं के बारे में ज्ञान है, कर्मकांड में विधि विधान बतलाया गया है, कौन सा यज्ञ किस प्रकार से, कौन से देवता को कौन सा फूल चढ़ाना, किस प्रकार इनका यजन करना। भक्ति में पूरी छूट दी गई है, ना दिशा की जरूरत है ना दशा की जरूरत है। नानक देव जी लेटे हुए थे, एक बंदा आया, बोले आपने मस्जिद की तरफ पैर कर रखा है। बोले भाई मैं बूढ़ा हूं, मेरे से करवट नहीं ली जा रही है, उधर मेरे पैर कर दो जहां खुदा नहीं है। जहां जहां उनके पैरों को घुमाया वहीं वहीं वो मस्जिद दिखाई देने लगी। आप जान करके गड़बड़ ना करें कि भगवान की तरफ पैर करके सो जाएंगे, आप जान के नानक जी सो गए तो हम भी सो जाएंगे। नानक जी की तरह पहले नाम जप करके अपने आप को मैच्योर कर लें, अपने आप को तपोनिष्ठ बना लें, अपना तप उस श्रेणी का हो जाए। अरे एक मांस बेचने वाला भगवान का कीर्तन करता रहता है, ऐसा कीर्तन करता है कि कीर्तन में भूल जाता है, कोई आया 5 किलो मांस दे दो और उसने 1 किलो का ही बांट चढ़ा दिया, उसे कीर्तन में ध्यान ही नहीं कि 5 किलो का बांट है कि 1 किलो का है। ठाकुर जी ही उस 1 किलो के बांट में घुस करके 5 किलो हो जाते थे। कीर्तन करते करते कोई आया 1 किलो मांस दे दो, उन्होंने 5 किलो का बांट चढ़ा दिया। मांगने वाला जो मांग रहा है वह है अनुरूपता। ठाकुर जी आकर के वहां व्यवस्थित करते थे, क्यों करते थे? बोले अगले को तो मेरे नाम जप में होश ही नहीं है कि मैं क्या तोल रहा हूं क्या कर रहा हूं। फिर भगवान का नाम लेने वाला मांस क्यों बेचता है? बोले कोई रोजगार नहीं मिला इसलिए कसाई की दुकान पर नौकरी करनी पड़ी। अपने हमारे भाग्य की वजह से, हमारे पूर्वार्ध की वजह से, अपने कर्म की वजह से, कर्म को ही करना पड़े लेकिन भक्ति अपने हृदय से निश्चल होनी चाहिए। कृष्ण कन्हैया गैया चरा करके पधारे, नारद जी मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज अभी कामदेव का मान गर्दन करना बाकी है, भेज दो नारद जी, उसे भी देखा जाएगा। जिस रास्ते से कामदेव आ रहा था, नारद जी आप जान करके उसी रास्ते से जा रहे हैं और खुद ही उससे टकरा गए, और खुद ही टकरा करके कहते हैं अरे भाई कौन है, देखकर नहीं चलते क्या? कामदेव सजग हुआ, नारद पहचाने नहीं मुझे, मैं जगत विजयी मकरध्वज कामदेव हूं। ठहरो, खाली कामदेव बोल दो ना, अपने आप अपने आगे जगत विजयी लगा लिया तुमने, अपने आप को जगत विजयी कैसे कहते हो? मैंने राम जी को सीता के विरह में रुलाया है, मैंने ब्रह्मा को सरस्वती का अनुगमन कराया है, मैंने शंकर को मोहिनी के पीछे भगाया है, नारद तुमको तो मैंने बंदर बनाया है,
विश्वामित्र जैसे ऋषि भूल जाते हैं अपना रास्ता मेरे कारण। देवता राक्षस मनुष्य ऋषि किन्नर गंधर्व चारण यक्ष विश्व में कोई ऐसा नहीं जो मेरे प्रभाव में ना हो, इसलिए मैं विश्व विजयी हूं। नहीं, हम तुम्हें विश्व विजयी मानने को तैयार नहीं। क्यों? जब तक तुम श्री कृष्ण कन्हैया को नहीं जीत लेते तब तक हम तुम्हें विश्व विजयी बिल्कुल नहीं कह सकते। कहां विराजते हैं कृष्ण? बोले वृंदावन में विराजते हैं। कभी भी चले जाना, उनको जीत के दिखाओ तब हम आपको विश्व जीत मानेंगे। कृष्ण कन्हैया गौचारण करके लौट रहे थे, कामदेव सामने से आ गया, अदा की बाकी झांकी को देख करके प्रणाम कर बैठा। भगवान ने कहा आओ कामदेव, आपका स्वागत है। एकदम से सजग हुआ, अरे इनसे तो मैं लड़ने आया हूं, इनको प्रणाम क्यों कर रहा हूं? कैसे आना हुआ? हे कन्हैया आपसे युद्ध करना है। भगवान ने कहा दो तरीके के युद्ध हैं हमारे पास, एक है किले की लड़ाई और एक है मैदान की लड़ाई। अनेक गोपियों के साथ मैं एक कमरे में बैठ जाऊं, तुम आओ बाण चलाओ, मेरा मन एक भी गोपी में लग जाए तो तुम जीत गए, और मेरा मन किसी भी गोपी में ना लगे तो मैं जीत गया। दूसरी है मैदान की लड़ाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि को करोड़ों गोपियों के साथ मैं महारास लीला करूंगा, तुम आना बाण चलाना, यदि मेरा मन एक भी गोपी में लग जाए तो तुम जीत गए, और किसी में भी मन ना लगे तो मैं जीत गया। कामदेव ने सोचा ये मैदान वाला काम बढ़िया है, करोड़ों में से किसी एक में तो मन लगेगा, कब आना है? भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा को मैं मुरली बजाऊंगा, कान में जब तान पड़ जाए समझ लेना मैं ही बुला रहा हूं। कामदेव चला गया, भगवान महारास लीला की तैयारी कर रहे हैं। कृष्णावतार की सबसे बड़ी लीला है जो 6 महीने तक ठाकुर जी ने करी है। होली 45 दिन खेलते हैं, झूला 1 महीना झूलते हैं, और लीलाओं का भी समय है सांझी 15 दिन, लेकिन यह 6 महीने तक होने वाली लीला, इसलिए महाशब्द लगा है इसके साथ। महारास लीला में भगवान ने 3 देवियों की सहायता ली। पहली सहायता सर्व सामर्थवान श्री राधा रानी जो श्री कृष्ण की आराध्या है। 84 कोस में कुंड घाट जीर्णोद्धार सेवा चलती है, तो वहां जाके कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा खड़े हो गए। 2 लोग बात कर रहे थे कि राधा कृष्ण का क्या संबंध है। एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि कृष्ण की आराध्या है, श्री कृष्ण के लिए विराजमान थे, मन नहीं लग रहा था, कोई हमारा ही जैसा होना चाहिए जिसके साथ हम रास विलास, जिसके साथ हम अपने मन से मन को समझने वाला, मन को प्रिय लगने वाला कार्य कर सकें। अपने हृदय से ही एक शक्ति को प्रकट किया, वो श्री राधा रानी है। वहां पर एक गैया चराने वाला ग्वारिया भी था, बोले ये तो बहुत वेदों की बात है, पुराणों की बात है, राधा कृष्ण का संबंध हमसे कोई पूछे तो टॉर्च और सेल वाला है, टॉर्च में से सेल निकाल के अलग कर दिए जाएं तो दोनों ही काम के नहीं है। टॉर्च है श्री कृष्ण और सेल है शक्ति श्री राधा, जब टॉर्च में सेल डालोगे तभी वो लाइट हमारे काम की है, तभी वो आनंद प्रदान हमें हो पाएगा। श्री कृष्ण की शक्ति है राधा। प्रार्थना करने लगे, हे राधे वृषभान भूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी, हे मैं प्राण परायणे च सुभगे, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य कुरितं तुमत्र विपने माम दीन मानंदय। राधा रानी प्रसन्न हो गई, हे प्रभु रास की रचना करी है। दूसरा सहयोग योग माया का लिया,
हे योग माया, छह महीने की रात्रि कर दो। छह की क्यों, पांच चार आठ तीन क्यों नहीं, छह और ऋतु तप कर रही हैं। हे प्रभु, हमारे समय में लीला करना नहीं, नहीं हमारे समय में। भगवान ने छह ऋतुओं का एक एक महीना लेकर के छहों को बराबर प्रसन्न कर दिया। मास दिवस वा दिवस हुआ मरम न जाना कोए, रथ समेत रवि था के हो निशा कवन विधि होए। एक महीने का दिन होकर के जब राम जन्म महोत्सव मनाया गया, तब रात्रि राम जी से मिलने आई। बोले महाराज, सूर्य वंश में जन्म लिया, सारा सम्मान दिन के लिए, रात में कोई लीला नहीं करेंगे क्या? भगवान ने वरदान दिया कि हम रात में ही अवतार लेंगे, अगला अवतार रात में होगा। दिन को एक महीने का आनंद मिला, तुम्हें छह महीने का आनंद प्राप्त होगा। शरद पूर्णिमा को ही क्यों सुना है, पूर्णिमा तो और भी ग्यारह है। रामावतार में जनकपुर में जिस दिन बगीचे में पधारे थे, श्री जानकी जी का पहली बार दर्शन किया था। श्री जानकी जी के दर्शन होने से पहले ही जानकी जी के चरणों के नूपुर बज रहे थे। उन नूपुरों के बजने से ही राम जी का मन काम के प्रति आसक्त होने लगा। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन, कहते लखन सम राम हृदय गुन। मनोह मदन दुंदवी दीनी, मनसा विजय विश्व कर लीनी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मन भी दर्शन करने को हो रहा है, किनके चरणों के नूपुरों की झनकार है जरा देखें तो सही। शरद पूर्णिमा को ही राम जी ने संकल्प कर लिया कि इस पर विजय पाना है। कृष्णावतार में शरद पूर्णिमा ही चुनी है। तीसरा निवेदन वेणु से किया, ये वेणु भगवान शंकर हैं। श्री कृष्ण से वरदान मांग करके पूर्ण लीला का अवलोकन करने को वेणु बनकर के आए हैं। शयाना हस्ताब्जे मृदलम उपधाया धर दलम, हरेर मर्दा दोला लकयति भिरा बीजित तनुम। दधाना सा शंका गुलिभिर विसंवाहन विधि, तथा पेशा वंशी नहीं भजति मां मत्र शुक्ला। हमारे ठाकुर जी के पास तीन प्रकार की वंशी हैं, जो नित्य साथ रखते हैं उसका नाम है नंदनी, जो राधा रानी को रिझाने के लिए बजाते हैं उसका नाम है आकर्षणी, और आज महाराज करने के लिए जो मुरली बजा रहे हैं इसका नाम है सम्मोहनी। सुन वंशी मेरी विनय शरद रेन सुख देन, धुन बंसी में मोह के मोह लाओ मृगनैन। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने मुरली बजाई, मुरली की तान कामदेव के कान में पड़ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने मुरली बजाई, मुरली की तान सुनकर के कामदेव ब्रज में आ गया। मुरली की तान गोपियों के कान में पड़ी, जिस गोपी के कान में जहां जिस अवस्था में मुरली की तान कान में पड़ी, गोपियां अपना अपना काम छोड़ छोड़ करके श्री कृष्ण की तरफ भागने लगी। भगवान के दर्शन करना सब चाहते हैं, हर व्यक्ति कथा में जाना चाहता है, मंदिर जाना चाहता है, लेकिन चार प्रकार की रुकावट आ जाती हैं। शिवल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने इनको चार प्रकार की आसक्ति कहा है। इसमें सबसे पहली आसक्ति है लौकिक धर्माशक्ति। कथा में तो आ जाए लेकिन बेटा ट्यूशन जाता है, फलाने समय वो आता है, ये जाता है, यहाँ जाना पड़ता है, घर के रिश्तेदारी के
दुनियादारी के जो काम करने पड़ते हैं, उनका निर्वाह करना पड़ता है, उनके चलते हम भगवान की ओर नहीं जा पाते हैं। इसको लौकिक धर्माशक्ति कहा गया है। ऑफिस में बैठना पड़ रहा है, चैम्बर में बैठना पड़ रहा है, क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, लौकिक धर्म निभाने पड़ रहे हैं। दूसरा है ग्रहाशक्ति, घर में आसक्ति होने के कारण, अरे घर छोड़ के इतनी देर के लिए नहीं जा सकते। तीसरा है देहाशक्ति, शरीर में आसक्ति होने के कारण इतनी देर नहीं बैठ पाएंगे, इतनी देर हमको परेशानी होगी, पता नहीं गर्मी होगी सर्दी होगी, नीचे बैठना पड़ेगा ऊपर बैठना पड़ेगा। देह में आसक्ति होने के कारण लोग कथा में नहीं जाते हैं। चौथी आसक्ति है अर्थाशक्ति, अर्थ में आसक्ति होने के कारण भजन पाठ पूजा धर्म नहीं कर पाते हैं। जरा गोपियों के दर्शन करें, गोपियों ने चारों प्रकार की आसक्ति को छोड़ दिया, चल पड़ी श्री कृष्ण की तरफ। द्विहंतो व्ययु काशे दोहम हित्वा समस्का वयोधी सित्य संयाव मनोद्यास्या परायो परिवेशंत तद्वित्वा पाययंत शिशुन्पय शिशोषंत पतिन कश्चन अंतस्योपाश्य भोजनम। कोई गोपी गोबर से आंगन लीप रही थी, कान में मुरली की तान पड़ गई, आंगन आधा छोड़ करके, और ये भी नहीं कि कोई हाथ धोए हो, गोबर के ही हाथों से भगवान की ओर भागी जा रही है। कोई गोपी दूध काढ़ने के लिए बैठ गई, कान में पड़ गई मोहनी, पटक के दोहनी, ओढ़ के ओढ़नी वो सोहनी, श्री कृष्ण की तरफ भागने लगी। कोई गोपी बना रही दरिया, कान में पड़ गई बसुरिया, बुला रहे हो सांवरिया, पटक के दरिया, ओढ़ के चुनरिया, सांवरिया की ओर भागवे लगी। कोई गोपी लगा रही है अंजन, बुला रहे हो निरंजन, एक आंख में काजल लगो, दूसरी में लगो ही नहीं, चली चली जा रही है। कोई गोपी अपने लाला के लिए खिला रही, नंद के लाला को बुलावो आ गए हो, अपनो लाला धरती में पटक दियो और दौड़ पड़ी। कोई गोपी स्नान करके चुकी है, लहंगा लेकर के गले में बांध लियो और ओढ़ना कमर में लपेट करके चली चली जा रही है। कोई गोपी बाल काढ़ रही, कंगा बालन में ही लगो छोड़ करके चल पड़ी है। कोई गोपी गहने पहन रही, कमर की तागड़ी गले में, गले का हार हाथ में, हाथ की अंगूठी पांव में, पांव का बिछिया हाथ में, चली चली जा रही है। एक जैसे ही घर से निकली, सामने से पति देव आ गए, ए कहाँ चली, बोले बंसी बजी है, बोले बज गई बंसी, चल सीधी घर में, भीतर करके बाहर से ताला लगा दिया। गोपी ने वहीं शरीर छोड़ दिया, राख बन गई। एक उठ दौरी एक भूल गई पौरी, एक राख भर खोरी सुध रही न तन में। एक खुले बार एक छतियन उघार, एक भूषण उतार चली दामनी जो घन में। एक उजियारी गोपिन ने निहारी, एक भई बोरी डोले मदन के उमंग में। ऊधम भयो है घरी चार ब्रज मंडल में, बांसुरी बजाय कान नाचे वृंदावन में। कोई किसी से कह नहीं रही है, जल्दी चल के आ जाना, मैं चल रही हूं तू आना नहीं, सब अपने अपने धन में जा रही हैं। कुछ गोपियों ने बहुत सी गोपियों को जाते हुए देखा कि ये कहां जा रही हैं, कहां चली। बाजी अकुलाई बाजी देख वे को द्वार आई, बाजी बोराई सुन बंसी बंसी धर की। बाजी ना धरे धीर बाजी ना समारे चीर, बाजी के उठे पीर बिरहा अनल की। बाजी हंस बोले बाजी करत किलोले, बाजी संग लागी डोले सुध भूली है घर की।
बाजी कहे बाजी, बाजी कहे कहां बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सांवरे सुघर की। भगवान ने गोपियों की दशा देखी, योग माया को आज्ञा दे दी, इनको सजा दो, इनको सुंदर बना दो, इनको व्यवस्थित कर दो। सुंदर तो है ही, थोड़ी कृष्ण के प्रेम में अटपटी हो गई है। चलते ही चलते ही योग माया ने श्रृंगार कर दिया। जैसे ही गोपियां वन में पहुंची, कामदेव वहां आ चुका था। ओहो, इतनी सुंदर गोपियां, इनके ऊपर तो मेरी अप्सराएं नौछावर करने योग्य हैं। अब मुझे श्री कृष्ण को जीतने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी जीत लूंगा। किसी ना किसी में तो कृष्ण का मन लगने ही वाला है। ठाकुर जी ने देखा, ये तो बिना ही लड़े अपनी जीत मान रहा है, ये तो मन में वैसे ही प्रसन्न हो रहा है। नटवर नागर ने बड़ी अटपटी लीला रच दी। गोपियों को देख करके बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयम कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है, लेकिन ऐसी रात में घर छोड़ करके जंगल में जाना ठीक नहीं है। आप लोग क्यों आई हैं? आपके आने का कारण बतलाइए। गोपियां सकल देख रही कि खुद तो बंसी बजा के बुलाया, किसी को फोन करें कम सून फर्स्ट ट्रेन जल्दी आ जाओ, और फिर वो आ जाए पूछे कैसे आए, क्या बीतेगी उसके दिल पर। पर गोपियां कच्ची नहीं है कि किसी के आड़े टेढ़े बोलने से प्रेम कम हो जाए, कोई हमको डांट दे फटकार दे या हमें कमी निकाल दे तो हम उससे प्रेम करना कम कर दे। कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, हम प्रेम करते हैं, करते रहेंगे, हमारे प्रेम में कोई अंतर आने वाला नहीं है। हे कन्हैया, हम आपको पाने के लिए आई हैं। मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतयश्च विचरवंती है प्रशंतो मां कड़वम बंद साधुसम। अरे अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे पति पिता पुत्र तुम्हारे घर वाले तुम्हें खोज रहे होंगे। महिलाओं को घर से बाहर रात्रि में डोलना ठीक नहीं लगता, जाओ जाओ घर चले जाओ। कृन्दन्ती, हमने तो आपको ही, तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव, सारे संबंध आपसे ही मान लिए हैं। नहीं, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री विरन हातव्यो लोके सुरभिर पातकी। अपने पति में कितनी भी कमियां हो, स्त्री को अपने पति में ही सिद्धा रखनी चाहिए। जाओ जाओ अपने घर चली जाओ। एक नहीं, हमने तो आपको ही अपना परम पति मान लिया है। मुझे पाना चाहती हो, घर चली जाओ और घर जाकर के कुछ काम करो। क्या काम करना है? श्रवणा दर्शना ध्याना मई भावो न कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहण। घर जाकर के मेरी कथा श्रवण करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा ध्यान करो, मंदिरों में मेरे दर्शन करने के लिए जाओ, घर बैठे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। वाह, सामने खड़े हो तो तुम्हें छोड़ दें और घर जाके तुम्हारा दर्शन करने के लिए फिर से उपाय करें, बहुत अच्छे। कन्हैया हम लौट करके जाने वाली नहीं है। इत विप्रिय मा कर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषतम विषणा भग्न संकल्प चिंता मा पुर दुरतया। गोपियों ने भगवान को कोई जवाब नहीं दिया, निगाह नीची कर ली, रोने लगी। रोने की भी आवाज नहीं आ रही है, केवल आंसू आंखों के कोनों में से बहते दिखाई दे रहे हैं।
चरणों के अंगूठों से धरती को कुरेद रही हैं, जैसे आजकल ब्लूटूथ से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज चला जाता है, ऐसे ही सभी गोपियां जो वहां उपस्थित हैं, उनके हृदय से दूसरी के हृदय में, उससे अगली के हृदय में एक बात जा रही है। कौन सी? ये कितना भी कहें यहां से जाओ जाओ जाओ, जाना नहीं है। गोपियां हृदय से ही ठाकुर जी से कह रही हैं, बोल नहीं रही हैं। बोलेंगी तो दुनिया सुन लेगी, मन की बात मन तक पहुंचनी चाहिए। गोपियों ने ठाकुर जी से कहा, नैवं विमोहित भवान गदितं निशंस्यो संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्त्वा भजस्त दुर्वग्रह मातिजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। दुनिया से कहते हो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे काम काज छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और हम आ गई हैं तो हमें आप काम बतला रहे हो, हमें दिशा बतला रहे हो, जाने के लिए कह रहे हो, कन्हैया हम नहीं जाएंगे। यत्पत्य पत्य सुयता मन व्यक्ति रंग स्त्री नाम सुधर्म इति धर्म विदात योक्तम अस्तेवमेव दुपदेश पदे तो ईशे प्रेष्टो भवान स्तनवृताम किल बंधुरात्मा। आप हमें स्त्री का धर्म सिखा रहे हो कि जाओ घर चली जाओ, घर वाले खोज रहे होंगे। भगवान का भजन करना, भगवान को पाने का प्रयास करना, यह भी स्त्री का धर्म है। हम वही तो कर रही हैं, आपको पाने का प्रयास कर रही हैं। कुर्वन्ति हि तु रतिं कुशला स्व आत्मन नित्य प्रिय पति सुदादि विरार्दि दैकिं तन्न प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशामृतां तु चिरादर विन्द्र नेत्र। हम कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, जो एक बार निगाह भर के आपको देख लेता है वो आपका दीवाना हो जाता है। हमने भी आपके दर्शन कर लिए हैं, आपका दर्शन करने के बाद कहीं और देखने की इच्छा बचती नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। चित्तम सुखेन भवताप हितम गृहेशु यन्निर्विशत्तु कराप गृह्य कृत्ते पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूला यामा कथम रजमतो करवाम किंबा। दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसके अंदर बुद्धि हो, जिसके अंदर विवेक हो, जिसके शरीर में हृदय लगा हुआ हो, जो श्वास लेता हो, और वो आपको देख ले और देख करके अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पण ना कर बैठे। हम भी आपके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर बैठी हैं। नंद लाले सो मेरो मन मानो कहा करेगो कोई री हो तो चरण कमल लपटानी जो भावे सो यरी गृहपति माते पिता मोहित्रासत हसत बटाऊ लोगरी अब तो जिए ऐसी बन आवे बिदना रचो है संयोगरी नंद लाले सो मेरो मन मानो कहा करेगो कोई री जो मेरो यह लोक जाएगो और परलोक न शायरी नंद नदन को तो न छाड़ो मिलूंगी निशान बजायरी नंद लाल सो मेरो मन मानो कहा करेगो कोई री यह तन बहुरो नहीं पहिए वल्लभ वेश मुरारी परमानंद स्वामी के ऊपर
सर्वस डारो बारी नंद लाल सो मेरो मन मानो कहा करेंगो कोई भी। अब चाहे कोई बदनाम करे चाहे कोई कुछ भी आरोप लगाए जो कुछ भी होना हो जाए हम भले ही नरक में चली जाएं श्री कृष्ण को छोड़कर के जाने वाली नहीं। गोपियां रो रही हैं कामदेव ने देखा लगता है ये कृष्ण गैया चराने वाला ग्वारिया ही है ये प्रेम करना जानता नहीं है। कितनी सुंदर गोपियां सामने उपस्थित हैं बजाय इनसे प्रेमालाप करने के बजाय इनसे मीठा बोलने के बजाय इनका अभिवादन इनके रूप की प्रशंसा करने के ये बार बार एक ही बात कहता है जाओ 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 घर जाओ मैंने किससे लड़ाई मोल ले ली। लगता है ये ग्वारिया गंवार है। ठाकुर जी कामदेव की मन की बात जान गए ये तो हमें कुछ और समझ रहा है। ठाकुर जी ने लीला में परिवर्तन कर दिया आओ आओ हे गोपियों मेरे लिए सर्वस्व त्याग करके आई हो चलो आओ नृत्य करते हैं रास लीला करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निविष्ट नाल मन नर मन खा कृपातई छेल्यावलोक हसतई ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांशकार। भगवान ने हाथ पकड़ पकड़ के गोपियों को निकट बुलाया। ठाकुर जी नाचने लगे बड़ी जोर का आनंद आने लगा खींचने लगे गोपियों को अपने साथ आलिंगन प्रदान करने लगे। गोपियां रस में सराबोर हो गईं परमानंद का अनुभव होने लगा। कामदेव ने देखा बढ़िया मौका है बाण चला दिया लेकिन असर कृष्ण पर ना हो करके गोपियों पर हो गया। गोपियों को अभिमान आ गया कितने तरह के प्रयास इनके एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा करते हैं। लगता है विश्व में हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जो कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। एक और गुप्त लीला है यहाँ पर राधा रानी नहीं थी वहां पर। गोपियों के मन में विचार आया कि ठाकुर जी राधा रानी के अलावा हमारा भी महत्व समझते हैं आज हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं अभिमान आ गया। चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान क्यों रहीम कैसे निभे दो ही खड़क एक म्यान। जिस प्रकार दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती इसी प्रकार अभिमान और भगवान एक साथ एक हृदय में नहीं रह सकते। जैसे ही गोपियों को अभिमान आया तासाम तत सौभगमदम भीक्षमानम जकेशवान भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोने लगी बिलखने लगी अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यंतन मतक्षाणा करीण्य इव यूथपम। जैसे हाथी का परिवार झुंड बना करके घूमता है गोपियां भी झुंड बना बना करके दसों दिशाओं में भगवान को खोजने लगी। कृष्ण के विरह में अपनी सुधबुद खो बैठी यह भी ध्यान नहीं रहा कि किससे पता पूछना है और किससे नहीं पूछना है। ब्रज की जो लता पताकाएं हैं उनसे ही बात करने लगी। नूत प्रयाल पन सासनिको विदार जम्बर के बिल्व बकुलाम्र कदम नीपा ये ने परार्थ भव का यमनोपकूला संस्वस्त कृष्ण पदवी रहितात्मनाम। आम का पेड़ दिखाई दे गया। अरे ओ आम भैया वा को बलराम नैना विराम शोभा को धाम ओ हमारो श्याम कहीं देखो हो तो बतइयो। कहीं बेला का वृक्ष दिखा अरे ओ बेला वो नंद को छेला दे गए और ढकेला फिर रहे हो अकेला कहीं वो नंद को छेला देखो हो तो बतइयो।
अरी ओ तुलसी तू भाई के प्रेम में हुलसी, कई नंद को लाला देखो हो तो बतइयो। बाहो प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो, रामानुज तुलसी काले कुलै मदान्धै। अन्वीयमान इह वस्तरव प्रणामो, किंबा विनन्दति चरण प्रणयावलोकै। कुछ वृक्षों की डालियां झुकी हुई थीं, कुछ झाड़ियां झुकी हुई थीं, वो भी उन्होंने कहा तुमको जरूर मालूम है वो कहां गए हैं, लगता है तुम उनको प्रणाम करने के लिए झुकी हो, वो यहीं होकर के निकले होंगे। लक्षन्ते हि धुजां भोजा वज्रांकुश यवादभी, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दे गए, गोपियों को इधर ही गए हैं, राधा रानी की कुंज की तरफ गए हैं। अनेक प्रकार के पुष्प ले आए हैं, एक शीशा सामने एक पीछे राधा रानी विराज रही हैं, चोटी गूंथ रहे हैं और एक एक फूल चोटी में लगाए जा रहे हैं। बार बार शीशा दिखाते हैं, देखो राधे मेरी जैसी चोटी कोई गूंथ नहीं सकता है। हे कृष्ण हा कृष्ण 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 करती गोपियां राधा रानी की कुंज की तरफ बढ़ रही हैं। कान में आवाज बढ़ गई, ठाकुर जी बोले हे राधे गोपियां आ रही हैं, चलो किसी और कुंज में चलें। राधा रानी को अभिमान आ गया, कितनी गोपियां इन्हें चाहती हैं और ये हैं कि मुझसे ही जुड़े हुए हैं। लीला रच दी राधा रानी ने, ना पार ये हम चले तुम नैमाम यत्र ते मना, कांटो लगो मेरे पैर में मार्ग चलो नहीं जाते हैं। हे कन्हैया मैं चल नहीं पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आओ आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ठाकुर जी नीचे धरती में बैठ गए। ततश्चांतर ददे कृष्ण सावधूरन्य तप्यता, जैसे राधा रानी ने चरण उठाया कंधे पर धरने को, वहां से ही अंतर ध्यान हो गए, पछाड़ खा करके गिर पड़े। हा नाथ रमण प्रेष्ट क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते द्रवणाया मे सखे दर्शे सन्निधम। गोपियां राधा रानी की कुंज में पधारी, सखी हे राधे आपको भी छोड़ करके चले गए, लवार हैं गवार हैं, प्रेम करना नहीं जानते, गुआरिया हैं छलिया हैं कपटी हैं, मौके का फायदा उठाने वाले हैं। जो गोपियों ने श्री कृष्ण के बारे में कुछ कहने लगी, राधा रानी का शांत एक शब्द भी उनके बारे में मत बोलना। सखीरी उनको दोष नहीं, मैं अभिमान कियो अपने मन तासों जात रही, सखीरी उनको दोष नहीं। आओ चलो उनको पुकारते हैं उनको बुलाते हैं। तन मनस्का तदालाप तद विचेष्टा तदात्मिका, तदगुणान एव गायन्तो नात्मा गाराणि सस्मरो। गोपियां कीर्तन करने लगी पुकारने लगी, ठाकुर जी नहीं आए तो लीला करने लगी, कोई पूतना कोई कृष्ण बन गई। कई गोपियां गाय की तरह चलने लगी, कोई कृष्ण बन करके हांकने लगी। कई गोपियों ने एक चुंदरी तान ली और एक गोपी कहती है आओ आओ ब्रजवासियों मेरी शरण में आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। एवं पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम
तदागमन कांक्षिता। भगवान के आगमन की आकांक्षा में गोपियां यमुना के किनारे आकर के गा गा करके पुकारती हुई ठाकुर जी को बुलाने लगी। इसे कहते हैं गोपी गीत। गोपियां गा करके ठाकुर जी को रिझा रही हैं, बुला रही हैं। दयति तेधिकं जन्म न ब्रजा श्रयति निराशी दयति दृश्यता दीक्षता विकार वैधिता सव स्वामी जन्म दे। आपके जन्म लेने से ब्रज की जय अधिक हो गई है। शरद में सब कुछ सुंदर लग रहा है। लक्ष्मी जी ब्रज में चारों तरफ बिखर गई हैं। कन्हैया आपसे ही ब्रज की पहचान है। दसों दिशाओं में हम आपको खोज रही हैं। हमें आप दर्शन दीजिए। शरद उदास ये साधु जात सद सरसी जोदर सूरज नाथ ते अशुल्क दासिका वरद विघ्न को नेह किंबदा। शरद ऋतु में सरोवरों में खिले हुए कमल बड़े सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। हे सूरत नाथ, हम आपके बिना मूल की दासियां हैं। हमें दर्शन दीजिए, नहीं तो मर जाएंगी, प्राण नहीं रह पाएंगे बिना आपके दर्शन करिए। ये हमारा बध होगा। विष जला पिला व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद तानला वृषमयात जा विश्व तो भया ऋषभ ते वयो रक्षिता। आपने तृणावर्त की आंधी से हमारी रक्षा करी कि नहीं? आपने इंद्र की वर्षा से हमारी रक्षा करी है। आपने काली के जहर से हमें बचाया है। आपने दावानल अग्नि से हमको बचाया है। कितना बताएं कि कहां कहां आपने कैसे कैसे बचाया है। क्या आज दर्शन देकर के हमारे प्राणों की रक्षा नहीं करोगे कि नहीं? नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहना मंदरात तक लिखन सार्थ तो विश्व तो भुते सखो देवान सतता। हमने आपको केवल नंद जी का बेटा नहीं माना है। हम जानते हैं भगवान है, देवता सुर किन्नर गंधर्व कवि शंकर कवि ब्रह्मा आपके दर्शन करने के लिए ब्रज में आते रहे हैं। आप उत्तम कुल में जन्म लेने वाले नंद नंदन हैं। जो जितने बड़े कुल में जन्म लेता है उसकी सामाजिक जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। चलता फिरता कोई गलत काम करे कोई नहीं टोकेगा, बड़े घर का कोई व्यक्ति गलत करे तो उसे टोकते हैं। सखो देवान सातताम को ले, आपकी शोभा हमारी रक्षा करने में है। आप प्रकट हो जाएं, हमें दर्शन दें। कोई गोपी कह रही है केवल अपने चरण हमारे माथे से लगा दो, कोई कह रही है अपना श्रीहस्त हमारे मस्तक पर रख दो, कोई कह रही है एक बार मुस्कुराता हुआ अपना कमल मुख दिखा दो, कोई गोपी कह रही है कि केवल अपने मीठी मीठी प्यारी प्यारी बोली ही सुना दो। सुदबुद खो बैठी विरह सागर में डूब रही हैं गोपियां। क्यों नहीं आते हे मन मोहन कारण क्या है ये तो बता दो। क्यों नहीं आते हे मन मोहन कारण क्या है ये तो बता दो। भूल गए क्या अपना बना के प्रीत किए की कुछ तो निभा दो। भूल गए क्या अपना बना के
चोरी देगी ये की कुछ तो मेहमानो भोरे घटाए घेरे घेरे आई भोरे घटाए गिर गिर आई कैसा भयानक तूफान लाई कैसा भयानक तूफान लाए जगमग डगमग डोले नैया बीच भवर में काहे डुबाओ डगमग डगमग डोले है नैया बीच भवर में काहे डुबाओ क्यों नहीं आते हे मन मोहन कारण ये तो बता दो क्यों नहीं आए हे मन मोहन कारण क्या है ये तो बता दो भूल गए क्या अपना बना के प्रीत किए की कुछ तो निभा दो भूल गए क्या अपना बना के प्रीत किए की कुछ तो निभा दो ढूंढ फिरी में सारी डगरिया ढूंढ फिरी में सारी डगरिया जाए छिपे तुम कौन नगरिया जाए छिपे तुम कौन नगरिया काहे को फेरी हमसे नजरिया प्यारी बसुरिया ने के सुना दो काहे को फेरी हमसे नजरिया प्यारी सुरिया ने के सुना दो क्यों नहीं आते हे मन मोहन कारण क्या है ये तो बता दो क्यों नहीं आते हे मन मोहन कारण क्या है ये तो बता दो भूल गए क्या अपना बना के प्रीत किए की कुछ तो निभा दो भूल गए क्या अपना बना के प्रीत किए की कुछ तो निभा दो दिल में है उलझन आंखों में पानी दिल में है उलझन आंखों में पानी किससे कहूँ मैं अपनी कहानी किससे कहूँ मैं अपनी कहानी तारे गिन गिन रहने गुजारूं प्यारी बसुरिया ने के सुना दो तारे गिन गिन रहने गुजारूं प्यारी बसुरिया ने के सुना दो हे मन मोहन कारण क्या है ये तो बता दो नहीं आते हे मन मोहन कारण क्या है ये तो बता दो यत्ते सुजात चरणामुरहस्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाट भीमटसि तद व्यथतेन किंसिद पूर्पादेभि भ्रमतधिर्भवदायुषाम् हे कन्हैया हम तो आपकी थी आपकी ही है और जन्म जन्म आपकी ही रहेंगी जो गोपियों ने समर्पण किया भगवान झट से प्रकट हो गए तासा मा वीर भूचोरी इसमय मान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्त्रग भी साक्षात मनमथ मनमथ बोलो गोपीनाथ भगवान की जय
गोपियों में थक गया हूँ, मेरे बैठने की व्यवस्था करो। एक गोपी ने जट ओढ़नी उड़ा ली, चार तय करी, बिछा दी, कन्हैया जी बैठिए। थक कैसे गए आप? सफाई करते करते थक गया, कहाँ की सफाई कर रहे थे? तुम्हारे मन में जो अभिमान की गंदगी आ गई थी ना, जो मैल आ गया था, करोड़ों की संख्या में गोपी हो तो सफाई में समय तो लगता ही, अब तुमने समर्पण कर दिया, अभिमान समाप्त हो गया, मैं तुम्हारे सामने सन्मुख हूं। इतना विरह सताया है गोपियों को, विश्वास नहीं हो रहा है कि श्री ठाकुर जी सामने है, कोई भगवान को पीताम्बर को हिला के देख रही, कोई चरण पकड़ के देख रही, कोई हाथ पकड़ के, कोई कोई तो उनके माथे पर लगा हुआ चंदन हाथ में लेकर के देख रही है, कोई उनकी माला का स्पर्श कर रही है। गोपियों का भाव देख करके भगवान ने जितनी गोपियां उतने रूप धारण कर लिए और ठाकुर जी महारास लीला करने लगे। जब गोपियां नृत्य कर रही हैं, श्री कृष्ण एक एक के साथ विश्व में जितने प्रकार के नृत्य होते होंगे वहां होने लगे। कामदेव का माथा चकरा गया, मैं तो एक से लड़ने आया था, यहाँ तो गिनने में नहीं आ रहे हैं, लाख हैं के करोड़ हैं। बहुत सुंदर महारास होने लगा। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। महाराज की कथा सुनकर के परीक्षित के मन में एक अटपटा प्रश्न आ गया। अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। महाराज एक बात बतलाइए, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च। धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान का कृष्णावतार हुआ ऐसा आपने कहा? बोले हाँ बिल्कुल सत्य है। फिर एक बात बताइए, स कथम धर्म सेतु नाम भक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदारा विमर्शनम। दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य करना क्या उनको शोभा देता है? अरे राम राम राम, अब तक की सारी कथा तुमने बहा दी परीक्षित। गोपियों के साथ नृत्य करने वाले को मनुष्य मत समझो, गोपियों के साथ नृत्य करने वाला कोई अहीर का बेटा, नंद जी का लाला ही नहीं है, वो ईश्वर है। ईश्वर, ईश्वर किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ये व स एव ईश्वर। जो करने योग्य कार्य को, नहीं करने योग्य कार्य को भी आसानी से करने में सामर्थ्यवान है उसे ईश्वर कहते हैं। बहुत से अभिमानी लोग कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमारी डायरी में ना नाम का शब्द नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। एक टीचर बड़े बढ़ चढ़ करके बोला करते थे, अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, कोलगेट की ट्यूब को कटोरी में खाली करके दे दिया। बोले गुरुजी इसको दोबारा कटोरी से ट्यूब में डाल के दिखाओ। गुरुजी धरे रह गए। बहुत सारे काम हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर हैं। वो एक महीने की रात्रि, छह महीने की रात्रि, वो एक पल को कितना बड़ा कर दें, एक पग भूमि को कितने योजन का कर दें, वो एक साथ कितने रूप धारण कर सकें, उनकी लीला में संदेह नहीं, श्रद्धा करनी चाहिए। जो महारास लीला को श्रद्धा के साथ सुनेंगे उन्हें दो लाभ होंगे। विक्रीडितम रजवतो विरदम स विष्णु सिद्धान्वितो न सुनया यद वर्णये दिया भक्तिम पराम भगवती प्रतलभ्य कामम हृदरोगमाशयनोतचरेण धीर। पहला लाभ, भगवान की भक्ति हृदय में आ जाएगी रासलीला की कथा सुनने से। दूसरा लाभ, बोले हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। श्रीमद भागवत दशम स्कंद 29, 30, 31, 32, 33 पांच अध्यायों का जो श्रवण कर ले, पाठ कर ले, हिंदी में भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हृदय का कोई रोग नहीं होगा। बोलो रास बिहारी भगवान ही जय। रासलीला करके सबको आनंद कर दिया है। मन में विचार आया कि देवी की पूजा भी बढ़ानी चाहिए।
एकदा देव यात्रायां गोपाला जाते कौतुका अनोभिरडनडयुक्त प्रययुस्ते अंबिका वनम। एक दिन मैया यशोदा लाला कन्हैया के लिए माखन की कटोरी लेकर के शैया मंदिर में जगावे के लिए पहुंची। कन्हैया उठ जा भैया, जागिए गोपाल लाल ग्वाल बाल ठाड़े, गैया चरावे जानो है, जल्दी उठ जाओ, तैयार है जाओ, ग्वारिया आवे वारे हैं सजदज करके। भगवान बोले मैया बहुत जोर को सिर में दर्द है रहे हो है, आज मेरे से उठो नहीं जा रहे हो है। अरे मैया आज मैं गैया चरावे नहीं जा पाऊंगो। लाला के सिर में दर्द, मैया के तो हृदय में दर्द, अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। मैया ने अड़ोसन पड़ोसन बुला ली और गोपियां तरह तरह के उपचार करने लगी, कोई नजर उतार रही है और कोई घी की मालिश कर रही है, कोई जायफल लगा रही है, कोई दूध में केसर डाल करके दे रही है। लाला दर्द ठीक भयो? ना मैया, मेरे सिर को दर्द ठीक नहीं भयो। इतने में काई गोपी ने कही मैया कुलदेवी की कामना करो। हे कुलदेवी मैया, जो मेरे लाला को सिर दर्द ठीक है जाएगा। आगे भी सीट खाली है। सपरिवार मैं आपकी पूजा करने के लिए आऊंगी। जैसे ही मनोती मानी, ठाकुर जी ने लीला रची, अरे मैया तेरी देवी बड़ी चमत्कारी निकली, मेरे तो सिर को दर्द ठीक है गयो। चलो मैया देवी की पूजा करने के लिए चले। अनोभिरडनडयुक्त प्रययुस्ते अंबिका वनम। नंद बाबा यशोदा जी, कृष्ण कन्हैया, दाऊ भैया पारिवारिक लोगों को लेकर के देवी की पूजा करने अंबिका वन में पधारे। सरस्वती कुंड में स्नान किया, पशुपति भगवान की पूजा करी। गावो हिरण्यं भासांसि मधुमध्वन्नमाद्रता ब्राह्मणे भ्यो ददु सर्वे देवो ना प्रियताम इति। तांबे के कलश में, चांदी के कलश में काले तिल भर के लाल कपड़े से ढक करके ब्राह्मणों को दान दिया, गाय दान करी, स्वर्ण दान किया। जो चीज हमें प्रिय लगती हो वो जीवन में एक बार दान जरूर करनी चाहिए। जो दान लेता है वो हृदय से आशीर्वाद देता है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ने दान दिया। शिव पुराण में दान का बड़ा महत्व है और सारे दानों में अन्नदान और जलदान सबसे ऊपर बतलाया गया है। कथा सुनने की सुगमता और सब प्रसाद पाए, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कथा सुनेंगे उनको लाभ होगा, सुनकर के जो आशीर्वाद देंगे वो हमको लाभ होगा। ब्राह्मणों को दान पुण्य करके यशोदा जी लाला को लेकर के गोदी में बैठ गई हो, कन्हैया के हाथ से ही देवी की पूजा करा रही हैं। हे देवी मैया, मेरे लाला को अभ्युदय हो। जीवन में सारे देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए लेकिन लगन एक से होनी चाहिए। देवी की पूजा श्री कृष्ण के लिए की जा रही है, श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। जीवन में सभी देवी देवताओं का सम्मान, ये नहीं कि हम राम जी के भक्त हैं तो हम कृष्ण जी को नहीं देखेंगे, ना, सबका सम्मान। एक रात्रि तीर्थ में रहना चाहिए, सभी रहे। प्रातःकाल नंद बाबा दैनिक क्रिया करने जा रहे थे, अचानक एक सांप ने पांव पकड़ लिया। सौ चक्रो शाहिनाग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। कन्हैया आइयो बचइयो भैया। ठाकुर जी पधारे, अपना चरण सांप से लगा दिया, सांप का शरीर छूट गया, देवता प्रकट हो गया। तुम कौन? अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुत श्रिया स्वरूप संपत्या विमाने नाचरम दिशा।
मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर बहुत सुंदर और बहुत धनवान था। लोगों की मजाक बनाना मेरी आदत हो गई थी। विमान में बैठ करके इधर उधर जाना, हरेक की बेइज्जती कर देना, हरेक का अपमान कर देना, मजाक बनाना मेरा स्वभाव हो गया था। अच्छा, किसी किसी को आदत हो जाती है। एक आदमी खुद टकराता था आप जान के, और जिससे टकराता था उससे कहता, गधे कहीं के सीधे नहीं चल सकते, उल्लू कहीं के दिखाई नहीं देता क्या, पागल कहीं के चलना नहीं जानते क्या। किसी से गधा उल्लू जो भी दिमाग में आए कहता था, टकराना और कहना, आदत जो पड़ गई है। और एक दिन क्या हुआ कि वो गधे से टकरा गया अचानक। वो गधे को देख के कहे, आपसे क्या कहूं, आप तो आप ही हैं। जो लोग दुनिया को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनको कभी ना कभी बढ़िया जगह टकराना पड़ता है। अष्टावक्र नाम के ऋषि जो आठ जगह से टेढ़े हैं, जा रहे थे, मैं उनका अपमान करने लगा। ऋषियों में सहन शक्ति बहुत होती है, पर चंदन की लकड़ी को भी जोर से रिगड़ा जाए तो उसमें भी आग लग जाती है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। ऋषि ने श्राप दे दिया, मंदमती मैं तो आठ जगह से टेढ़ा हूं, तुम सांप बन जाओ, रोम रोम से टेढ़े हो जाओ, सीधे नहीं चल पाओगे, तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगा, भयभीत रहेंगे लोग तुमसे। कैसा श्राप है कि सांप से सबको डर लगता है। गुरु चेला एक ट्रेन में जा रहे, सबसे आखिरी बोगी जनरल डिब्बा, खचाखच भीड़। चेला बोला, गुरुजी हम तो खड़े होने में परेशानी हो रही है, बैठेंगे कैसे, लंबा सफर है। गुरुजी बोले, अभी देखो जगह कराता हूँ। एक माला तोड़ के भीड़ में फेंक दी, सांप 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 हल्ला मचा दिया, सारा डब्बा खाली, अकेले गुरु चेला, चेला पैर लंबे करके आराम से लेटो, हम तुम दोनों ही चलेंगे इस बोगी में। दो घंटे हो गए गाड़ी नहीं चल रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे चेला, नीचे जाकर के देखो गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। नीचे जाके पता किया, बोले इसमें सांप निकल आया था, इसलिए ये डिब्बा काट दिया, बाकी की गाड़ी भेज दी है। भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम है सुदर्शन, सुमाने सुंदर, दर्शन माने देखना, सब में अच्छाई देखनी चाहिए, सबको बढ़िया देखना चाहिए। मुरारी बापू ने एक बार अपनी कथा में कहा था कि हर व्यक्ति चाहता है कि सब लोग मुझे अच्छा कहें, ससुराल में भी अच्छा कहें, पियर में भी, मित्रों में भी, ऑफिस में भी, हर जगह मुझको अच्छा कहें। क्यों ना ये काम हम खुद शुरू कर दें कि हम भी सबको अच्छा कहना शुरू कर दें कि हाँ जो हो रहा है अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान ने कहा, नाम सुदर्शन करते हो कुदर्शन। हंसी मजाक करनी चाहिए लेकिन किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। और शारीरिक मजाक कभी भी नहीं, कोई हकला है, तोतला है, काणा है, भेड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, यदि उस शारीरिक कमी पर हम लोग हंसते हैं तो भगवान उससे ज्यादा हमको विकृत कर सकते हैं। दिव्य रूप धारण कराकर श्री कृष्ण देवी की पूजा करके वृंदावन में पधारे। शंखचूड़ नाम का दैत्य भगवान से द्वैत मान करके आया, ठाकुर जी हाथ नहीं लगे तो गोपियों को लेकर के जाने लगा। गोपियां पुकारी, हे कृष्ण, क्रोशंतम कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम। भगवान ने अपनी गोपियों को कष्ट में देख करके ठाकुर जी पधारे, एक घूंसा मारा, प्राण भगवान के चरणों में विलीन हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोप्य कृष्ण वनम याते तमन धृत चेतस, कृष्ण लीला प्रगायन्तो निन्नर दुखेन बासराम। भगवान सवेरे गैया चराने जाते, शाम को लौट करके आते थे। दिन भर गोपियों को भगवान के दर्शन किए बिना रहना पड़ता था, बेचैन हो जाती थी, क्या करना चाहिए, चलो उनकी कथा कर लें, उनका स्मरण कर लें, उनका कीर्तन कर लें, उन्हें याद कर लें।
अपने अपने भवन के आंगनों में, अपने अपने भवन के दरवाजे के बाहर चबूतरों पर गोपियां झुंड बना बना करके कृष्ण स्मरण करती थी। इसे युगल गीत नाम दिया श्री वेदव्यास भगवान ने। सखी, हाँ सखी, वन में कन्हैया क्या कर रहे होंगे? बामे बाहु कृते बामे कपोलो बलगित भ्रू अधिरार्पित वेणु कोमलांगुले विराश्रित मार्गो गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। हमें तो ऐसा लगता है कि बाईं तरफ गर्दन झुकी होगी और बाईं तरफ से मुरली अधर पर धरी होगी, ठाकुर जी मुरली बजा रहे होंगे, ग्वाल वाल गायें चारों तरफ से घेर करके खड़ी होंगी। व्योम आवे बनिता सह सिद्धैर विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चेता कश्मलम ययुर्स्मत नीभ्यः। भगवत स्मरण करते करते गोपियां अपने समय को श्री ठाकुर जी में समर्पित कर देती थी। अरिष्टासुर नाम का राक्षस कंस ने भेजा, बैल का रूप धारण करके आया, इतना बड़ा बैल पीठ की टक्कर मार मार के बड़े बड़े वृक्षों को गिराने लगा, जोर की दुंकार मारता था। पतंत काल तो गर्भास्त्रवंति स्म भयेन वही, गर्भवती गायों के गर्भ गिरने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। रम्भ माण खरतरम पदाच बिलखन महीम, अपने खुरों से धरती को खोदने लगा। ग्वालवाल घबराए, कृष्ण बलराम के सन्मुख जाकर के पुकार लगाई। कृष्ण बलराम नंद भवन में से पधारे, सामने बहुत बड़ा सांड आ रहा है। दाऊ जी बोले, कन्हैया ये इतना बड़ा बिजार हमारी गौशाला का तो है नहीं, कहां से आया? ठाकुर जी हर स्थिति को हंसी में ही निकाल देते हैं। दाऊ भैया हमारे मामा जी रहे ना मथुरा में, वो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, कोई ना कोई खिलौना खेलने के लिए भेजते रहते हैं, ये मामा जी का भेजा हुआ गिफ्ट है। तो खेलो कन्हैया। तमा पतंतम सनगैय संगयो पदा समाक्रम निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्थमंबरम कृत्वा विषाणे ने जघान सोपतत। जो ठाकुर जी की तरफ आया, सींग पड़ करके घुमा करके पटका, प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो नंद के लाला की जय। अरिष्टे निहते दैते कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शना। नारद जी को लगा के लीलाएं थोड़ा धीरे धीरे हो रही हैं, समय कम है और काम ज्यादा है। राम जी तो 11,000 वर्ष विराजे थे और कन्हैया 125 वर्ष में इतने लीला किए हैं कि 24 अवतारों ने मिलकर के इतनी लीलाएं नहीं की हैं। हर गुण गाते वीणा बजाते रस बरसाते नारद जी कंस के दरबार में पहुंच गए। जय श्रीमन नारायण, जय शंकर की। आइए नारद जी, कैसे आए? सबसे पहले संवाददाता है नारद जी। लेकिन आजकल की जो संवाद व्यवस्था है ना, आजकल की जो प्रेस है, वो बुरे कामों को तो फ्री में छाप देती है और अच्छे कामों को बताने के लिए पैसा देना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके स्वागत करना पड़ता है, तब जाकर के अच्छे काम बतलाए जाएंगे। कोई गलत काम हो जाए, बुरा काम आ जाए, अपने आप प्रेस आ जाएगी, अपने आप छप जाएगा। नारद जी ऐसा नहीं करते हैं। नारद जी तो श्री कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञात हो ऐसी खबर फैलाते हैं। आज ऐसी खबर देंगे कंस जो जीवन में कोई नहीं दे पाएगा।
बोलिए, जानते हो ये कृष्ण बलराम कौन के बेटा है? ये कोई नई खबर है, दुनिया जानती है नंद यशोदा के बेटा है। नहीं नहीं नहीं, रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन वेभ्यता यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च। ये श्री कृष्ण यशोदा के बेटा नहीं है, ये देवकी की आठवीं संतान है। और ये जो बलराम है ये रोहिणी की संतान है, दोनों तुम्हारे भांजे हैं। यशोदा की तो वो कन्या बेटी थी जो हाथ से उछल करके आकाश में चली गई। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा मन कर रहा है नारद जी, मुझे धोखा देने वाले बहन और बहनेऊ को बुला करके उनकी गर्दन काट दूं। कंस तुम बड़े सीधे हो, अरे बहन बहनेऊ को मारने से क्या फायदा होने वाला है? तुम्हें आकाशवाणी याद नहीं आ रही? अरे जो खतरा है वो आठवीं संतान से है, बहन बहनेऊ से थोड़ी ना कोई लेना देना है। क्या करना चाहिए नारद जी? अरे वही तो बताने आए हैं, सुनते कहां हो? तुम्हारे पास सल तो सल चारुर मुष्टक बड़े बड़े पहलवान हैं, दुनिया भर के पहलवानों को बुलवाओ, वर्ल्ड कप कराओ, मल्ल युद्ध का आयोजन होना चाहिए और इसे देखने के लिए देश देशांतर के राजा महाराजाओं को बुलवाया जाए। कृष्ण बलराम को भी बुलाना, शंकर भगवान का धनुष उठाने के लिए कहना, उसी के नीचे दब जाएंगे। 10,000 हाथी की ताकत वाला कोबलिया पीड़ हाथी मदरा पान करा के छोड़ देना खुल्ला, दोनों को कुचल करके समाप्त कर डालेगा। और कोई तरीके से बच गए तो बड़े बड़े पहलवान मल्लयुद्ध का बहाना बना करके तोड़ मरोड़ देंगे। और फिर तुम्हारी भुजाओं में बल कोई कम थोड़ी है, तुमने विश्व को जीता है, इतने बड़े मेले में अपने हाथ से उनका झमेला करके रख देना। लोग कहेंगे कंस कितना बुद्धिमान था, अपनी मृत्यु को अपने हाथ से ही समाप्त कर डाला। नारद जी, सारे पहलवान आ जाएंगे, सारे राजा महाराजा आ जाएंगे, उनके ठहरने की, भोजन की, घूमने की, फिरने की, मनोरंजन की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। एक ही काम बड़ा टेढ़ा है, कौन सा? उन दोनों को बुलाने कौन जाएगा? क्यों? बोले जो जाता है वो तो वहीं रह जाता है, आज तक लौट करके तो कोई आया ही नहीं है। अखबार के तीसरे पन्ने में उठामनी में फोटो छपती है सीधी, गया गया गया। नारद जी आप चले जाओ कृष्ण बलराम को बुलाने। नहीं नहीं, हम सलाह दे सकते हैं, सहयोग नहीं दे सकते हैं। तुम्हारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री अक्रूर, इनके पिता सुफलक और श्री वसुदेव जी के पिता सूरसेन भाई भाई थे, ये कृष्ण के चाचा होते हैं। यदि ये जाएंगे बुलाने तो कृष्ण बलराम को आना ही पड़ेगा। नारद जी ने योजना बनाई, कंस को बहुत पसंद आई, तुरंत मंत्रियों को, सेनापतियों को, राज्यसभा सदस्यों को बुलाया, बहुत जोर की सजावट करवाओ, देश देशांतर के राजा महाराजाओं को बुलवाओ, दुनिया भर के पहलवानों को बुलवाओ। इतने में केशी नाम का दैत्य आ गया। महाराज कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ और अभी मार करके आता हूँ। केशी तो कंस प्रहत महिम महायो निर्जरियन मनोजब सटावधूता प्रभिमान संकुलम कुर्वन नमो हे शतभीषता खिल। घोड़े का रूप धारण करके केशी यमुना के किनारे जाकर के आतंक मचाने लगा। भगवान को आतंकवाद बिल्कुल पसंद नहीं है। श्री ठाकुर जी पधारे, दाहिनी भुजा घोड़े के उस केशी राक्षस के मुख में प्रवेश कराई, इतनी लंबी भुजा कर दी, भुजा भीतर और प्राण बाहर उठा करके पटका। जहाँ केशी दैत्य मरा उस घाट का नाम केशी घाट है, वृंदावन का सबसे सुंदर घाट है। दो लोग बात कर रहे थे परिक्रमा करते करते, देखो हमसे अच्छा तो राक्षस है जिसके नाम से घाट तो भी है, हमारे नाम से तो ना कोई सड़क है ना चौराहा है। भगवान के हाथ से मरने में भी फायदा है, नाम हो जाएगा।
दूसरा बोला भगवान के ही नाम से है, भक्त के नाम, राक्षस के नाम से नहीं है ये घाट, भगवान के नाम से है केसी घाट। भगवान का नाम केसी तो कहीं भी नहीं है, रामायण में, भागवत में, गीता में, गोपाल सहस्त्र नाम में भी नहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम में भी नहीं है। तो बताने वाला बोला हिंदी में ही तो नहीं है, अंग्रेजी में तो है। जैसे रमाकांत को आर के कहेंगे ऐसे कृष्णचंद्र का क्या बनेगा, केसी। अंग्रेजी में भगवान का नाम से घाट पड़ा है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय। केसी के मरने के समाचार कंस को मिले, अक्रूर जी को बुलाया, कल कृष्ण बलराम को लेने जाना है। अक्रूर जी घर आ गए, गया कंस का दूत समझ करके उन्होंने मार दिया, तो मरना है, नहीं गए तो दुष्ट मार देगा, दुष्ट के हाथ से मरेंगे नरक में जाएंगे, श्री कृष्ण के हाथ से कम सदगति तो मिल जाएगी। प्रसन्नता के कारण नींद नहीं आ रही है श्री अक्रूर जी महाराज को। मम इतद दुर्लभम मन्यो उत्तम श्लोक दर्शनम विषय आत्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मना। आह कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने वाले हैं जो कल मुझे श्री नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त होगा। सवेरे उठे, नहाए धोए, पाठ पूजा करी, रथ में बैठ गए, रथ को चला दिया वृंदावन की ओर। सवेरे के चले और शाम को पहुंचे, रास्ता तो आधा घंटे का भी नहीं है। श्री कृष्ण की याद आती थी, बेहोश हो जाते थे, घोड़े वहीं रुक जाते थे, फिर होश आता था, फिर चलते थे। दृक्षा मिनु नमो सुखपोल नासिकौ स्मितावलोकारुण कंजलोचनौ मुखम मुकुंदस्य गुडालिकावृतम प्रदक्षिणम मे पिचरन्ति वै मृगा। आह ये हिरणों के झुंड सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ा शगुन हो रहा है, निश्चय ही मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा। अप्यन्द्र मूले पतितस्य मे विभो शिरस्य धास्यन् निज हस्त पंकजमो दत्ता भयं काल भुजंग रंहसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणां। जैसे ही मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, वो अपना हस्त कमल, अपना पंकज मेरे माथे पर रखेंगे, निश्चय ही उठा करके मुझे गले लगाएंगे। भगवान के दर्शन दो प्रकार से किए जाते हैं, एक है क्रियात्मक और दूसरे हैं फलात्मक। दोनों में क्या अंतर है थोड़ा ध्यान दें, कहां कमी हो रही है जो भालू बंदरों को भगवान दिख रहे हैं, जटायु को दिख रहे हैं, हाथी गजेंद्र को दिख रहे हैं, हमें क्यों नहीं दर्शन दे रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, जरा देख। हम लोग दर्शन करने जाते हैं, दौड़े दौड़े गए, मंदिर गए, घंटा बजाया, परिक्रमा करी, चरणामृत लिया, आंख बंद करके जो जो मांगना है भगवान को लिस्ट पकड़ाई और चल दिए। रास्ते में कोई मिल जाए, कहां से आ रहे हो, बोले मंदिर दर्शन करके आ रहे हैं। ठाकुर जी ने कौन से कलर की पोशाक पहनी थी, बोले इतने ध्यान से दर्शन नहीं किया, खाली गए और चले आए। ये आना जाना चले आना ये क्रियात्मक दर्शन है, खाली हमने क्रिया करी है बस। फलात्मक दर्शन, फल देने वाला दर्शन कैसे किया जाता है, जब जाएं तो चिंतन करते हुए जाएं कि आज शायद पूर्णिमा है, सफेद वस्त्र होंगे ठाकुर जी के, जन्माष्टमी है, आज तो केसरिया वस्त्र धारण करे होंगे, आज हो सकता है मोर मुकुट धारण किया हो, आज किरीट मुकुट हो, आज टिपारा हो, आज टोपी हो, आज चंदन धारण किया हो, आज तो चरणों के दर्शन होंगे, आज तो मुरली लेकर के, शरद पूर्णिमा को बिहारी जी मुरली धरा करके दर्शन देते हैं। जाएं जब चिंतन करते हुए जाना चाहिए। रामावतार में विभीषण, कृष्णावतार में अक्रूर जी, दो लोगों से सीखना चाहिए। विभीषण जा रहा है लंका से राम जी के पास,
देखे हो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। राम जी के चरण अरुण हैं। अरुण किसे कहते हैं? उगते हुए सूरज का जो कलर होता है ना लाल। विभीषण जी ने तो नहीं देखा, इनको क्या मालूम लाल हैं कि काले हैं कि पीले हैं, हनुमान जी ने बतलाया था। मृदुल भगवान के चरण कोमल हैं, इन्होंने तो कभी नहीं दबाए, इनको कैसे मालूम? बोले हनुमान जी ने बताया था। सेवक सुखदाता है, इन्हें कैसे मालूम? बोले हनुमान जी ने बताया था। जाएं तब इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में पहुंच जाएं, परिक्रमा कर लें, घंटा बजा लें, चरणामृत ले लें और जो जो करना है कर लें, पर आंख बंद करके भगवान के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिख रहा है, किसी को दिख जाए तो हमें बताइएगा। तुम हमसे मिलने आओ और हम आंख बंद करने लगेगा पागल कहीं का आंख बंद करके बैठा है। भगवान के सामने तो आंख खोल लेनी चाहिए। नख शिख दर्शन करना चाहिए। नख माने पैर के अंगूठे का नाखून, शिख माने चोटी, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। कैसा मुकुट, कैसे कुंडल, कैसा तिलक। और तो और, जिनको आप लोग आंखें कहते ना, आंखें तो हम लोगों की हैं, भगवान के अलंकार बोले जाते हैं, नेत्र बोले जाते हैं। राधा वल्लभ लाल के बंद हैं, राधा रमण के तीखे हैं, तीखे नुकीले। बिहारी जी के गोल गोल हैं, सीना जी के नीचे की तरफ हैं, तिरुपति बालाजी ने तिलक से ढक रखे हैं। निहारना चाहिए आंखों से ठाकुर जी को, हृदय में छवि को हृदय में बसा लेना चाहिए। पिक्चर देखने जाते हैं, वहां आंख बंद नहीं करते, पांच मिनट की निकल जाए तो पड़ोसी की खोपड़ी चाट जाते हैं, क्या क्या हुआ था बताना। भगवान के आगे आंख क्यों बंद करी जाए, नहीं करनी चाहिए। और जब दर्शन करके लौटें तो रिवीजन करते हुए, आज ऐसे वस्त्र थे, आज ऐसा मुकुट था, आज ऐसा श्रृंगार था, आज ये वाली झांकी थी, ये सब दर्शन करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। हम लोग मंदिर जाकर के क्या देखते हैं? अरे घड़ी बंद पड़ी है, मकड़ी के जाले लग रहे हैं, पुजारी जी तम्बाकू खा रहे हैं, यहाँ गंदगी पड़ी है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, ये देखने जाते हैं हम मंदिर। ना ना, तरीका बदलना पड़ेगा। ठाकुर जी तैयार बैठे हैं आने के लिए, थोड़ा हम ही स्टार्ट हो जाए। वृंदावन की सीमा में पहुंच करके रथ को छोड़ दिया, पैदल चल पड़े। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गो दोहनम गतौ, पीत नीलांबर धरौ शरदंबुहुरे क्षणौ। नीलांबर धरा राधा, राधा रानी नीलांबर धारण करती हैं और बलराम जी भी नीलांबर धारण करते हैं। पीतांबर श्री कृष्ण ने धारण कर रखा है। जैसे ही देखा चरणों में गिर पड़े। पपात चरणौ पान्ते दंडवत राम कृष्णयो। दंडवत डंडे की तरह सीधे धरती में साष्टांग दंडवत प्रणाम, सबसे बढ़िया प्रणाम है साष्टांग। सौ अष्ट अंग, हमारे आठों अंग धरती में नीचे भगवान के सामने समर्पण होने चाहिए, समर्पित होने चाहिए। उठा लिया, हृदय से लगाया। कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया, काका जी मथुरा में सब ठीक तो हैं? रो पड़े श्री अक्रूर जी, कंसे जीवत दारशाह। जब तक दुष्ट कंस जीवित है मथुरा वासियों की कुशल पूछना बेकार ही है। काका जी कल हम आपके साथ चलेंगे, ब्रजवासी रोकेंगे, भला बुरा कहेंगे, हो सकता है कुछ और भी ज्यादा कर बैठे। आपको हमारी लीलाओं में सहयोग करना है, हमें छोड़ मत जाना, हमें ले चलना अपने साथ। नंद भवन में आए, नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, जलपान आदि करा करके पूछा कैसे आना हुआ। हे नंद बाबा, कंस के द्वारा बहुत बड़ा मल्ल युद्ध का आयोजन किया जा रहा है, दुनिया भर के राजा महाराजाओं को बुलाने के लिए पत्र पत्रिका भेजी गई है, आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है, कहा है जरूर आवे, अवश्य आवे। नंद बाबा भोले भाले हैं, अच्छा
अब की बार कंस ने हमारा इतना सम्मान किया है, दुनिया को बुलाने को केवल पत्रिका और हमें बुलाने के लिए मंत्री को भेजा है, हम जरूर चलेंगे। जारे मनसुका डुग्गी पीटिया, कल कृष्ण बलराम मेला देखवे जाएंगे, जिनको भी चलना हो वो तैयार हो जाएं। श्री ठाकुर जी बोले, मैया यदि आपकी आज्ञा हो तो आज हम काका जी के कमरा में सो जाएं, अतिथि कक्ष में सो जाएं। हाँ बेटा सो जाओ। पूरी रात योजना बनती रही। गोपियों को मालूम पड़ा कल कन्हैया मथुरा जाएंगे। गोपियां सो नहीं पा रही हैं, बिलख रही हैं। कृष्ण विरह की कल्पना करके विधाता ब्रह्मा को कोसने लगे। अहो विधाता सब न क्वचे दया, संयोज मेत्रा प्रणयेन देहिना, तांशा कृतार्था मेहुनंश पार्थिकम विक्रीडितं तेर्वक चेष्टितं यथा। अरे ओ विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं है। यदि तुम्हें मालूम था कि एक दिन ये कृष्ण कन्हैया हमें छोड़ करके चले जाएंगे, काहे को इनके चरणों में इतना प्रेम कराया। बालक रो रहा है, माने आटे की गोली दे दी, आटे के लोहे के दो भाग कर लिए, एक की चिड़िया बना ली, एक की छोटी छोटी गोलियां बना ली। वो छोटी छोटी गोलियों को आटे की चिड़िया को बालक चुगा रहा है। थोड़ी देर में वो चिड़िया और वो गोली उसने फिर से एक करके रख दिए। लगता है तुम्हारा भी मन वैसा ही है। काय को हमें बनाया, काय को उन्हें यहां ब्रज में बुलाया, काय को इतना प्रेम कराया। नानंद सोनो क्षण भंग सौहृद समीक्षते ना स्वीकृतातुराव, देहाय गेहा स्वजनान सुतान पति तदासम ज्योप गता नव प्रिया। जरा सा मालूम पड़ जाए कि कन्हैया ये लीला कर रहे हैं, अपने पति अपने बच्चों को अपने घर भर को छोड़ करके भाग दी थी उनके दर्शन करने के लिए, कल वो चले जाएंगे मथुरा तो किसके दर्शन करेंगे। रोते रोते रात बीत गई, सवेरा हुआ। यशोदा जी माखन की कटोरी लेकर के कन्हैया को जगाने के लिए जा रही हैं। देखा कृष्ण बलराम नहा धो करके तैयार हो करके महल के एक भाग से उतर रहे हैं। कन्हैया हिला हिलाए के जगानो पड़तो, कन्हैया उठ जा, दिन निकल आयो, गैया चरावे जानो है, ग्वालवार आवे वारे होंगे, आज बिना जगाए जग गए, तैयार है गए, कहा बात है कन्हैया। मैया हम काका जी के साथ मथुरा जा रहे हैं। नहीं, वो मथुरा कंचन की नगरी, तुम दो दोनों ग्वार कमारे, सूर श्याम प्रभु तुम लड़का हो, तुम कहां देखे मल्ल अखारे। बड़े बड़े पहलवान आएंगे वहां, बच्चों का कोई काम नहीं है। दा बाबा चले जाएंगे, अगर कहीं बुलावा है तो एक दो जन चले जाए, जरूरी है सारा घर जाए। नहीं मैया हम तो जाएंगे। दाऊ तू समझाया कन्हैया के लिए। श्री दाऊ जी ने प्रणाम करके कही, मैया कहो सुनो, हमारो माफ कर दियो, हम दोनों ही भैया मथुरा जा रहे हैं, दोनों चरण छू करके चल दिए। मैया दीवाल के सहारे टिकी की टिकी रह गई। तू तो चलो मथुरा कुलला, अब कौन को प्रात जगाऊंगी मैं, कौन कहेगो मैया मुंह से, कनुआ कहे कौन बुलाऊंगी मैं।
यशुमत द्वार द्वार यहाँ भाके। हे को ब्रज में हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे। आंगन में नंद बाबा विराजमान हैं, दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। छोराओ कहाँ जा रहे हो? बाबा हम मथुरा जा रहे हैं। नहीं नहीं, गैया चरावे जाओ। अब नंद गाय ले ओ संहार, दूध दही हम बहुत ही खायो, गैया चराई दिन चार। हम तुम्हारे आने प्रगटे बहुत कीनी लार। सूर शाम प्रभु चले मधुपुरी कपट कागद फार। दोनों भैया प्रणाम करके रथ में आकर के विराज गए। नंद बाबा लाठी का सहारा लेकर के टिके रह गए। ग्वालवाल आ गए, गोपियां आ गई, चारों तरफ से घेर लिया। कहां चले कन्हैया? बलराम भैया कहां जा रहे हो? अरे मनसुखा, ओरे श्रीदामा, मथुरा में एक मामा जी रहे हमारे, उनके यहाँ एक कोई आयोजन है, वहां जा रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। गए और आए, बस जा रहे हैं। काका जी रथ आगे बढ़ाओ। जो रथ आगे बढ़ा, कोई पछाड़ खा के गिर पड़ी, कोई बेहोश हो गई, कोई किसी के कंधे पर सिर रख करके रोने लगी, किसी ने कोई वृक्ष का सहारा ले लिया, कोई दीवाल के सहारे टिक गई। एक गोपी को देर से मालूम पड़ी, दौड़ी दौड़ी आई। कन्हैया, ओरे कन्हैया, कहाँ है कन्हैया? गोपियां बोली, अब कहाँ है कन्हैया? कन्हैया तो मथुरा गए। अच्छा, बिना मिले बिना बोले कहकर के भी नहीं गए? सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। मैं तो समझी थी जीवन दाता है, मैं तो समझी थी जीवन दाता है, मेरे जीवन के भाग्य विधाता है, मेरे जीवन के भाग्य विधाता है। ना जाने क्यों मुंह मोड़ने के ले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। ना जाने क्यों मुंह मोड़ निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। मैं मथुरा नगरिया जाऊंगी, मैं मथुरा नगरिया जाऊंगी, जाके वापस यहाँ पर लाऊंगी, जाके वापस यहाँ पर लाऊंगी। पूछूंगी क्यों दिल तोड़ने के ले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। अरे पूछूंगी क्यों दिल तोड़ने के ले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। सखी श्याम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चले गए बड़े चोर निकले। ब्रज
ब्रजवासियों का प्रेम देख करके अक्रूर जी रोने लग गए। काका जी क्या हुआ? कन्हैया ये कंस बड़ा पापी है, यदि किसी भी प्रकार की हानि आपको पहुंचा दी तो ब्रजवासियों की आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस आपको वृंदावन पहुंचाया हूं। भगवान जान गए जब ये आए थे तब इनके मन में वात्सल्य भाव था, जब आए थे इनके मन में ऐश्वर्य भाव था, और ब्रज का दर्शन करके इनके मन में वात्सल्य भाव आ गया है। मैं इनका भाव परिवर्तन कर देता हूं। दोपहर हो रही है, आप मध्यान्ह काल की संध्या कर लेते, जैसी आपकी आज्ञा। अक्रूर जी जमुना जी में उतर करके जो गोता लगाए भगवान ने उनको वैकुंठ भेज दिया। वैकुंठ में दर्शन होने लगा, जिनको मैं रथ में बैठा छोड़ के आया हूं वही शेष की सैया पर लेटे हुए हैं। वही राम, वही बलराम, वही परशुराम, वही बुद्ध, वही अरिहंत, वही नरसिंह, वही वामन, वही सब कुछ है। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, सात्वताम वतये नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय चैतदानव मोहिने, मेषक प्राय छत्रहंत्रे, नमस्ते कल्क्यरूपणे। प्रणाम करके आंखें खोली यमुना का किनारा। नंद बाबा कई ग्वाल वालों को रथ में बिठा करके ले आए, दोनों का मिलना हो गया। सब लोग मथुरा में प्रवेश किए, बहुत सुंदर ठहरने की व्यवस्था करी गई है। मथुरापुरी को दिव्य सजाया गया है। आज मथुरा की सजावट देख करके ग्वाल वालों का मन चलायमान हो गया, हे कन्हैया में मथुरा घुमा करके लाओ। बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो ग्वाल वालन के संग मथुरा घूम में जाऊं। काम तो सारे होने, थोड़ा बड़ों से पूछ लिया जाए तो बड़ों का उत्साह बढ़ जाता है कि चलो हमसे पूछ करके कर रहे हैं, हमको बता करके कर रहे हैं, हमारा परामर्श, हमारी सहमति लेकर के कर रहे हैं। काम में कई गुना आनंद आ जाता है। कन्हैया जा रहे हो पर ध्यान रखना, किसी से रे या तू कह करके मत बोलना, दोनों भैया हाथ पकड़ के सड़क पार करना, किसी से उलझना नहीं। दुनिया को चलाने वाले को चलना सिखा रहे हैं नंद बाबा। चल पड़े, चारों तरफ हल्ला मच गया। सखी बोले हाँ सखी, अब तक जिनकी महिमा सुना करते के 56 भोग लगाया, फलाना राक्षस मार दिया, आज होली खेलिए, आज झूला झूल रहे हैं, आज गैया चरा रहे हैं, वही परात्पर ब्रह्म नंदन नंदन कृष्ण चंद्र आज साक्षात मथुरा में पधारे हैं, चलो चलो उनके दर्शन करने चले हैं। खिड़की में, मोरी में, बारी में, छज्जे पे, छत पे, तुखटी में, चबूतरा पर, अटारी में, झारी में, झरोका में, जहां जगह मिले वहीं भीड़ ही भीड़। कृष्ण बलदेव मधुपुरी आए, घर घर गोपिन चौक पुराए, कंसा के घर के घबड़ाए, घर घर मंगल होत बधाए। दौड़ रहे हैं लोग भगवान का दर्शन करने के लिए, हटो हटो हमें आगे जाने के। और तो और एक अंधा भीड़ में ढक्का मुक्की कर रहा था, हटो मैं आगे जाऊंगा, मुझे आगे जाने दो। लोगों ने कहा तू अंधा है, तेरे को दिखाई तो देता नहीं, गाय को ढक्का मुक्की कर रहा है। उसने कहा मुझे तो दिखाई नहीं देता पर उनको तो दिखाई देता है, उनकी दृष्टि यदि मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो नंद के लाला की जय। अरे एक आदमी मर गया, काठी में बांध लिया, शमशान ले जाने की तैयारी मुर्दनी शुरू ही होने वाली थी, किसी ने आके कह दिया कृष्ण बलदेव आ रहे हैं। मुर्दनी में जाने वालों ने सोचा ये कहाँ जा रहा है, पहले दर्शन कर लो फिर बाद में आकर कैसे ले जाएंगे। घर के बाहर के सब दौड़ करके भगवान का दर्शन करने लगे। मुर्दे ने कहा मैं पड़े पड़े क्या करूंगा, वो भी तोड़ ताड़ के सूतली बांस खपच्ची खड़ा हो गया और चल पड़ा भगवान के दर्शन करने। बोलो कृष्ण बलदेव की जय।
ग्वालवाल बोले कन्हैया तुम्हें सब देख रहे हैं, हमें कोई ना देख रहा हो, क्यों तेरे कपड़ा बढ़िया हैं, पीलो पीताम्बर कारी कांवर, हमारे कपड़ा बेचारे ऐसे ही हैं, गामन में धरती को रंग और धोती को रंग एक जैसा ही हो। कन्हैया कहीं से बढ़िया कपड़ा पहनाओ जो लोग हमारी तरफ भी तो देखें, यही तो फैशन है। पहले फटे कपड़ा पहनना अशुभ होता था, अब तो कोनी से फटे। एक जने ने नेकर पहन रखा था जैसे आधा कुत्ता फाड़ के ले गया हो, धागे धागे से निकल रहे उसमें से। हमने कहा फटा क्यों पहन रहा है, बोले ये तो बहुत कीमती है, आजकल फैशन है फटा पहनने। कुछ ऐसा हो कि लोग हमारी तरफ देखें। सामने से कंस का धोबी आ रहा है, भगवान ने रास्ता रोक लिया, धोबी जी राम राम। ए क्या चाहिए, हमारे ग्वाल बाल हैं, इनको पहनने के लिए कपड़े चाहिए। जानते हो ये किसके कपड़े हैं, किसके हैं? ईदशान ये वासांसी नित्यम गिर बने चरा, ये कपड़े धर्म खंडन पाप मंडन महाराजा अधिराज भोजराज महाराज कंस के कपड़े हैं। भगवान बोले एक तो वॉल्यूम कम करो, इतना बड़ा जो नाम ले रहे हो वो हमारे मामा जी हैं। और बड़े बूढ़ों ने कहा है कि मामा के उतरे कपड़े भांजा पहने तो उसकी उम्र बढ़ती है, लाओ इन कपड़ों को दे दो। कपड़ा कूटने का डंडा दिखा के कह रहा है अभी दूं या बाद में दूं? भगवान बोले कल दोपहर तक तो पूरा काम ही हो जाएगा, अभी दे दो। जो डंडा उठाया भगवान ने एक झापड़ दिया, गर्दन किटके गिर पड़ी, प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। बोलो नंद के लाला की जय। ग्वाल वालो पोटली खोलो और कपड़ा निकालो। कंस का शरीर 15 फुट लंबा चौड़ा और ग्वाल वाल छोटे छोटे 4-4 फुट के, जो पोटली खोली और बड़े बड़े कपड़े देखे। ग्वाल वाल बोले कन्हैया ये पहनवे के कपड़ा नहीं है, तो ये तो काई टेंट हाउस को सामान मालूम पड़ रहे हो। अरे भैया टेंट को सामान नहीं है, ये पहनवे के कपड़ा हैं, खोलो तो सही। सबसे ऊपर चूड़ीदार पजामा रखा है कंस का, जो खोला सीतामा के कंधा पे चढ़ गए सुदामा और मदमंगल के कंधा पे चढ़ गए मनसुखा। 4-4 ग्वाल वालों ने मिलकर के खोला, कन्हैया ये पहनवे के कपड़ा नहीं है, तो ये तो काई महफिल को स्वागत द्वार मालूम पड़ रहे हो। अरे ग्वारियाओ ये स्वागत द्वार नहीं है, तो कन्हैया का नाम है आप कपड़ा को? भगवान बोले या को नाम है पजम्मा। मनसुखा बोलो हे मेरी अम्मा, इतनो बड़ो पजम्मा पहली बार देखो है। मनसुखा एक पाचे में तू घुस जा और सीतामा एक पैर में तू घुस जा, संग में नाड़ो बांध लेंगे जो खोएंगे भी नहीं। कुर्ता के अंदर कई ग्वाल वाल घुस गए, कपड़ा बहुत बढ़िया, दिन में पहन लेंगे, रात में उड़ करके सो जाएंगे, मच्छर भी नहीं काटेंगे। ग्वाल वाल चल पड़े, मथुरावासी कृष्ण के दर्शन करें तो आनंद आ जाए और इनके दर्शन करें तो हंसी छूट जाए। ग्वारिया बोले कन्हैया ये मथुरा वाले हमें देख करके हंस रहे हैं, तुम भी हंसो, तुम क्यों नहीं हंस रहे? बोले हंसे कहां से, आगे वाले के कपड़ा पे पीछे वाले को पैर पड़ जाए, आगे वालों धड़ाम से गिर पड़े, हाथ पैर तो टूट गए। चलो आगे चलो, वायक नाम के दर्जी के यहाँ गए, काट छांट के सारे कारीगर लगा के सबको दिव्य वस्त्र पहना दिए। सुदामा नाम के माली के यहाँ गए, सबको माला धारण कराई। 1000 कमल के फूल भगवान शंकर पर चढ़ाता था ये माली। शंकर जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो महाराज, जिस प्रकार मैं आपको पुष्प चढ़ाता हूं ऐसे ही अपने हाथ से श्री कृष्ण को माला पहनाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। ना जप होगा ना तप होगा, कोई तपस्या नहीं जानता हूं। भोलेनाथ देते हैं तो इतना सब्सिडी देते हैं कोई दे ही नहीं सकता। बोले तेरे यहां कृष्ण चल करके आएंगे तो तुझे कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा, कृष्ण आकर के कहेंगे कि मुझे माला पहनाओ। आज भगवान को माला पहना करके आनंदित हो रहा है। भगवान ने धोबी को सदगति, दर्जी को और माली को अपनी भक्ति प्रदान करी, चल पड़े। ग्वारिया बोले एक कमी रह गई, सूना माथा अच्छा नहीं लगता है, कोई टीका मिल जाए, तिलक चंदन मिल जाए तो आनंद आ जाए।
जो इच्छा करे हो मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक्य कुब्जां युवती वरान नाम अप्रक्षयान्ति प्रहसन रस प्रदा। सामने से कुबड़ी आ रही है, बहुत सुंदर है। सोने की थाली में कई कटोरी, लाल चंदन, काला चंदन, पीला चंदन, रोली, मावर, मेहंदी, सिंदूर, शीशा, कंगा, सजावट का पूरा सामान है, मेकअप का पूरा सामान है। भगवान ने रास्ता रोक लिया, कौन है, आपका परिचय क्या है देवी जी? दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्यताम त्रिवेक्य नामा हिनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियं बिना युवाम कोन्यत मस्तदर्हति। मैं कंस के यहाँ चंदन घिसने का कार्य करती हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे ग्वालवाल भी लगा ले। हाँ हाँ लगाओ ना, अब ग्वालवाल तो ग्वालवाल हैं, मुफत को चंदन घिसने रे नंदन। सारी कटोरी खाली करके रख दी, लौट करके आए नंद बाबा, बोले भैया बढ़िया बढ़िया कपड़ा, ये माला, ये चंदन तिलक कहाँ से आए? बाबा मामा जी को इंतजाम बहुत बढ़िया है, बफे सिस्टम है, कोई भी जाओ उठाओ चले आओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बाबा कल आप जल्दी चले जाना, हम दोनों भैया देर से आएंगे, कल मल्ल युद्ध का आनंद लेंगे। कृष्ण बलराम पधार रहे हैं, बीच बाजार में चौक में महादेव का धनुष रखा है। कंस के दूत बोले आओ आओ आओ, इस धनुष को तोड़ करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले दाऊ भैया इतने काम हमने कर दिए, एक काम आप कर दो, धनुष तोड़ दो। दाऊ जी बोले अच्छा बेटा जा, धनुष तोड़ के घरवाली मिल रही, वो तो तेने तोड़न नहीं दियो, और या फ्री फंड के धनुष हम पे तोड़वा रहे हो। भगवान समझ गए रामावतार का बदला ले रहे हैं। करेण वामेन सलील मुद्रितम, बाएं हाथ से धनुष उठाया, दाएं हाथ से प्रत्यंचा कैंची, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ करके रख देता है उसी प्रकार ठाकुर जी ने धनुष तोड़ दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। कंस के किले के दरवाजे पर कुवलिया पीड़ हाथी, कन्हैया ने सुन, दाऊ जी ने पूंछ घुमा करके पटक दे मारा। चारुरो मुष्टको कूट शलस्तो शल एवा, बड़े बड़े पहलवान मल्ल युद्ध करने के लिए आए, एक दूसरे से भिड़ा करके ही समाप्त कर डाले। पहलवानों के मरते ही कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, चिल्लाने चीखने लगा, मार दो, छोड़ दो, इसको काट दो, आग लगा दो। दाऊ जी बोले कन्हैया ये ऊपर से चीख रहे हैं, ये कौन है? भगवान बोले भैया यही तो मामा जी हैं। चीख क्यों रहे हैं? बोले बीमार तो 11.5 वर्ष से हैं, जब से हम पैदा हुए तभी से तबीयत ढीली है, लेकिन आज हमें सामने देख करके वायु दिमाग में चढ़ गई है, जरबक दे रहे हैं। इनका इलाज बोले केवल हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। दाऊ जी के चरण छुए, लगाई छलांग, पहुंच गए कंस के मचान पर, कंस का मुकुट गिर पड़ा। कंस के पंखा करने वाले, चमर ढुराने वाले पटक करके सामान भागने लगे। कंस बोला ए कहां जाते हो? ये बोले गॉड ब्लेस यू, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, अभी तो भागने में ही भलाई है। बाल पकड़ के खींच लिया कंस को सिंहासन से नीचे। कंस एक दिन तुमने मेरी माता को ऐसे ही बाल पकड़ के रथ में से खींचा था, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में परतंत्र है, तुमने मेरे भाइयों को भी पटक पटक करके मारा था, यह है कार्य और किए देता हूं। प्रगई यकेशेश चलत किरीटम निपात रंगो परे तुंग मंचात तस्यो परिष्टा स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। कंस को उठा करके जोर से उछाल करके पटका, छाती पे आकर के कूदे, कंस के प्राण परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गए। देवता दुंदुभी बजाने लगे, आप लोग ताली ही बजा दो,
बोलो कंस निकंदन भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, रंग है रंग है, कृष्ण बलदेव का रंग है, रंगेश्वर भगवान आज भी मथुरा में विराज रहे हैं। आठ भाई बदला लेने के लिए आए, श्री बलराम ने खेल ही खेल में समाप्त कर डाला। नाना नानी के बंधन खोले, कंस की पत्नियां रो रही हैं। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणा नाथ वत्सल, जो धर्म का विरोधी था उसको धर्म के कह करके रो रही हैं, पर हमारे ठाकुर जी कमती लीला नहीं जानते। दोनों मामियों के बीच में जाके बैठ गए, रोने लगे। हाय मामा जी, इन भांजों का लाड़ कौन करेगा मामा जी। कंस की पत्नी धीरे धीरे रो रही है, इतनी जोर से रोए पत्नी सकल देखने लगी। हे कन्हैया, तुमने ही तो मारा है, तुम क्यों रो रहे हो। बोले मैंने नहीं मारे मामा जी। फिर क्या हुआ। बोले मचान बनाने वाला बड़ा बेकार है, बहुत ढीला मचान बना दिया, मैं छलांग लगा के गया ऊपर और मामा जी छलांग लगा के आ गए नीचे। हाय मामा जी। कंस का अंतिम संस्कार कराया, मधुर मधुर वचन बोल करके ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वापस भेजा। माता पिता की आज्ञा लेकर के विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में भगवान पढ़ने के लिए गए। ठाकुर जी केवल 64 दिन विद्यालय में रहे हैं। राम जी 5 वर्ष की उम्र में गए और 11 वर्ष की उम्र में लौट करके आए। एक राम जी का और एक कृष्ण जी का भक्त लड़ रहे आपस में, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। तुम्हारे कन्हैया जी है ना, वो बुद्धू हैं, बुधवार को पैदा हुए। बड़ी उम्र का और छोटी क्लास में रहे तो समझ लो अकल कम है, बार बार फेल हो रहा है। 14 वर्ष की आयु में पढ़ने गए ठाकुर जी। अब कन्हैया के भक्त पे इतना कहां सहन हो जाए। हमारे नाखूनों में से मैल निकलता है और भगवान के नाखूनों में से कलाएं निकलती हैं। चतुर्भुज विष्णु के 4 भुजाओं में 16 उंगलियां, 4 अंगूठे 16 उंगलियों में से एक एक उंगली से 4-4 कला निकलती है। 64 कलाओं को प्रकट करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। और ये 64 कला केवल भगवान में है और किसी में होती भी नहीं है, लाना भी मुश्किल है। 5-6-7 साल रहने की बजाय 64 दिन में ही उन्होंने सारी विद्या ग्रहण कर ली, सारा कोर्स 64 दिन में कर लिया। गुरु ग्रह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कितना बढ़िया व्यवस्था थी, धनवान धनहीन सबके बालक एक साथ पढ़ते थे। और विद्या पूरी होने पर गुरुदेव से कहा जाता, बताइए हम आपको क्या भेंट करें। गुरुदेव जानते थे किसकी सामर्थ्य कितनी है, उतनी ही सेवा बता दिया करते थे। श्री कृष्ण ने पूछा, बताएं गुरुदेव क्या सेवा करनी है। कन्हैया, हमारा बेटा तीर्थ यात्रा करने गया था, लौट करके नहीं आया है, हमारा बेटा ला करके दे दो। कहां गया। बोले जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र। श्री कृष्ण वहां पहुंचे, समुद्र से पूछा, हमारे गुरु का पुत्र आया, क्या तुमने देखा। हां हां, हमारी तह में पांचजन्य नाम का शंख है, उसमें एक राक्षस रहता है, वही तुम्हारे गुरु के पुत्र को ले गया है। सुपर हीरो हैं श्री कृष्ण। सीधे छलांग लगा दी, समुद्र की तह में पहुंच गए। पांचजन्य में जाकर के एक मारा घूंसा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो, भीतर रहने वाला राक्षस बाहर आ गया। क्या तुमने हमारे गुरु के पुत्र को देखा। बोले हमने ही मारा है तुम्हें और मार देंगे। श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, भगवान ने खेल ही खेल में समाप्त कर डाला। गुरु का बेटा मर गया। वैकुंठ में तो नहीं आया है क्योंकि मैं वहां हूं, स्वर्ग में गया होगा। स्वर्ग में गए श्री कृष्ण, चारों तरफ देखा नहीं मिला। हो सकता है कोई अपराध पाप हो गया हो,
चलूं नरक में से खोज करके लाऊं। जो ठाकुर जी नरक की ओर चले, सिंहासन पर बैठे यमराज के कान में भगवान के चरणों के नूपुर सुनाई दिए। यमराज दौड़ करके नरक के बाहर आकर के खड़ा हो गया। देखे तो कन्हैया पहुंचे। कैसे आए कन्हैया? हमारा गुरु का बेटा, ये नाम, ये गोत्र, ये गांव क्या आपके यहां है? यमराज गए, लौट के आए, बोले हां है। लाओ, जीवित करके लाओ, मुझे ले जाकर के गुरुजी को देना है। आपने हमको इतनी ही सामर्थ्य दी है कि जो मर के आए उनको दंड देना है? आपने हमको इतनी सामर्थ्य थोड़ी ना दी है कि हम उसको जीवित करके वापस लाके दे दें? अच्छा, तुम नहीं ला सकते तो मैं जाता हूं नरक में। यमराज ने चरण पकड़ लिए, ऐसे कबड्डी में पकड़ते हैं ना, कहीं फाली ना ले ले, कहीं भगवान नरक की धेरी में ना घुस जाए। महाराज नहीं ठहरो, जो कहोगे वही होगा, यहीं ठहरो। क्यों, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? बोले यदि आप नरक में झांक भी लिए, हमारा काम बेकार हो जाएगा, हम निठल्ले हो जाएंगे, हमारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। जितने भी लोग नरक में हैं वो आपके दर्शन करके आपके धाम को चले जाएंगे, फिर हमारे यहाँ बचेगा क्या करने के लिए? जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, आप यहीं रुके रहिए। भगवान बोले जाओ फिर जीवित करके लेके आओ। जो नहीं करने योग्य कार्य को भी करने की सामर्थ्य रखते हैं वही कृष्ण हैं। गुरुदेव का बेटा ला करके भेंट किया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मथुरा पधारे, 4.5 वर्ष भगवान विराजे हैं गोकुल में और 6.5 वर्ष वृंदावन नंदगांव पूरे ब्रज 84 कोस में। 11 वर्ष 4 महीने, कोई कहता है 6 महीने, जो भी हो हमें सब स्वीकार है। भगवान ने कंस को मारा, उसके बाद 10 वर्ष फिर मथुरा में विराजे हैं। बहुत बड़ी योजना, 23 अक्षौणी सेना ले लेकर के 17 बार जरासंध के साथ युद्ध, महाभारत की भूमिका, पूरे पृथ्वी में सनातन धर्म का साम्राज्य कैसे स्थापित हो, ये सारी योजना मथुरा में रहकर के मथुराधीश प्रभु ने बनाई है। सारे कार्य करते हैं कंस के बनाई हुई, जितने भी दुराचार, जितने भी परंपराओं को नष्ट किया है सबको भगवान स्थापित कर रहे हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतस्सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। बृहस्पति के शिष्य हैं, यादवों के प्रधानमंत्री हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं, नाम है उनका उद्धव। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, बड़े बुद्धिमान हैं, रिश्ते में चाचा लगते हैं कन्हैया के, लेकिन बराबर की आयु होने के कारण भगवान के प्रति सख्य भाव है, मित्र भाव है। एक दिन अचानक भगवान के महल में पधारे, कक्ष में पधारे, श्री कन्हैया की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा, कन्हैया हमने पहले भी कई बार देखा है, जब कभी आप एकांत में होते हो आपकी आंखें छलक पड़ती हैं, आपका मन भारी हो जाता है, आपकी आंखें डबडबाने लगती हैं, चेहरे पर एक शून्यता आने लगती है, इतना गमगीन हो जाते हो, क्या कारण है कन्हैया हमें बताओ ना। जी मेरो घबड़ावे याद मोए आवे वृंदावन की। हे उधो, मोए जब ब्रज की याद आवे ना तब मैं अपने आप की संभाल नहीं कर पाऊं। उधो मोए ब्रज बिसरत नाही। नंद बाबा, लाला
कन्हैया कायरे कन्हैया, दिन भर लाला लाला करते डोलते मेरे आगे पीछे, मेरे बिना कैसे रह पा रहे होंगे। मैया सवेरे ही सवेरे दही बिलो करके माखन निकाल के अपने हाथ से चटाती, बड़ो हो गए तो माखन को लौंदा लेकर के मुख में डालती, ओरे कनुआ ओरे कन्हैया कायरे कन्हैया। अब कौन को कन्हैया कह करके बुलाती होगी यशोदा मैया, ग्वाल वाल गैया चरावे जाते होंगे या नहीं जाते होंगे। ऊधो ऊधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। को न मुख धो बेता तेजल, अचरा पहुँच नभामे, माखन मिश्री को नाम न जाने, कनुआ कह के कोई ना बुलावे, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। गोपी नाम मदवियोगाधिम मत्संदेशैर्विमोचय, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। जो गोपियां भागती फिरती थी मेरा दर्शन करने के लिए, लालायित रहती थी, वो गोपियां मेरे बिना कैसे रह पा रही होंगी। उद्धव एक बार चले जाओ, मैं कहकर के आया था मैं आऊंगा, केवल इसी आशा पर उन्होंने प्राण रख रखे हैं, नहीं तो कब के प्राण निकल गए होते। यम आयो उन पास, प्राण तहां पाए नहीं, प्राण हमारे पास, यम लौटो तत्काल में। एक बार यमराज आया था गोपियों के प्राण देने के लिए, कि उनके शरीर में प्राण थे ही नहीं, प्राण तो मेरे चरणों में है उनके। तामन मनस्का मत प्राणा मदर थे त्यक्त देहिका। जाओ जाकर के ब्रजवासियों से प्रेम भरे शब्द बोलना, कहना मैं बहुत व्यस्त हूं, अस्त व्यस्त व्यस्त हूं, जरूर आऊंगा, गैया चराने जाऊंगा, माखन खाऊंगा, रास रचाऊंगा, प्रिय लगने वाले वचन बोल करके ब्रजवासियों को धैर्य धारण करा करके आओ। अपना जैसा श्रृंगार धारण कराया, जिस रथ में आए उसी में बिठाया, उद्धव जी जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए, चातुर्व देख करके बड़ा आश्चर्य, कोई ग्वारिया तो लाठी के ऊपर ठोड़ी टेक करके बीच सड़क पर खड़ा है, कन्हैया आए तो सबसे पहले हम दर्शन करें, कोई गोपी अपनी अटारी में अपने हाथ के सहारे एक ही तरफ देखे जा रही है, पहले कन्हैया हमें दिखाई दे। हवा से अगर पेड़ की डाली भी हिल जाती है, सब लोग हर्षित हो जाते हैं, कहीं कन्हैया तो नहीं आ गया। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ठगे भय से ठाड़े, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, मुड़गेलियों पर छतों पर छज्जों पर बैठे बंदर रो रहे हैं, डालियों पर बैठे तोता मैना कबूतर रो रहे हैं, गायों के अश्रुओं की धारा तो कोई भी देख सकता है। उद्धव जी ब्रज में पहुंचे, नंद भवन के आगे जाकर के रथ रोका, अरे ये तो वही रथ है जिसमें कन्हैया गए थे, कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए हो, दौड़ पड़े लोग। आगे जाकर के देखा उद्धव आए हैं, पीछे दौड़ने वाले लोगों से कहा, कन्हैया नहीं आए, सखीरी ज्ञान सिखलाने
सखा प्यारे को आयो है। नंद भवन में आंगन में जाकर के नंद बाबा को प्रणाम करी। बाबा दंडोत कौन है? मैं हूं उद्धव। कौन उद्धव? मैं कन्हैया को मित्र हूं। आहा जादना ते कन्हैया गयो, आज पहली बार कोई बा को नाम लेवे बारो आयो। आ उद्धव कभी तो कन्हैया ने तो एक गले लगायो होगो, आ एक बार मेरे गले लग जा। आंसू की धार बह नहीं रही है। और अंदर पधारे यशोदा मैया को मन में विचार आयो, आज दही बिलो करके कन्हैया के लिए भिजवाऊ। रई में रस्सी लपेट लई, मटकी में रई खड़ी कर दई, कुंदा से बांध दई। लेकिन मैया जो रई चलाना चाहे वो रई घूम नहीं रही है। यशोदा मैया दही बिलोती, कन्हैया आकर के बगल में खड़ो है जातो और अपनी एड़ी के बल भगवान फिरक दे। जैसे जैसे रई फिरके वैसे वैसे ठाकुर जी फिरकते, रई को भी चलने में आनंद आता कन्हैया के साथ। मैया प्रणाम। कौन? मैं हूं उद्धव। आप यशोदा जी हैं ना? अच्छा अब ये बता रहा पड़ेगा। पड़ी मझधार भरी पापन के भार, नहीं बल्ली पतवार वह टूटी सी नैया हूं। तरवर बिन पात जामे बिहंग ना बिरमात, सूनी मावस की रात तामे भोर की तरैया हूं। मैं कहू ना डरे हो जाय देव की से लरे हो, धीर कैसे के धरे हो बिना बछरा की गैया हूं। अपयस जग दे है तो मेरो कहा कर लेगो कोई, कौन रोक लेगो मैं कन्हैया की मैया हूं। आंगन में बैठ गए उद्धव जी। ग्वाल बाल गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया, सब रो रहे हैं। यहां तो बड़ा ही विरह व्याप्त है, थोड़ा ज्ञान की चर्चा करी जाए तो इनका ये रोना धोना बंद हो जाएगा। देखो ब्रजवासियों, आज मैं तुमको बहुत बढ़िया ज्ञान देने वाला हूं। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता देयो, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। आप जिनकी याद कर रहे हो, आप जिनके लिए रो रहे हो, वो तो निराकार हैं, अजन्मा हैं, अप्रमेय हैं, उनका जन्म नहीं होता है। वो अखंडानंद हैं, वो अलौकिक हैं, ना कोई उनकी माता है और ना कोई उनका पिता है। मैया बड़ी जोर तक गुस्सा आवे लगी। दिन भर मैया ओरी मैया, मेरी मैया काए मैया, मैया मैया कह करके कन्हैया मेरे पीछे डोलो कर तो, और ये बावड़ो कह रहे हो कि कोई बाकी मैया नहीं है। लगे या को दिमाग खराब है गया। नंद बाबा को याद आवे लगी कन्हैया मचल के, बाबा मैं घोड़ा पे बैठूंगो। नंद बाबा को लगी घोड़ा पे लाला बिठा दियो तो गिर जाएगो। नंद बाबा स्वयं घोड़ा बन गए, लाला को पीठ पे बिठा लियो। नंद बाबा को गमछा गले में डाल करके, चल मेरे घोड़ा तिक तिक ते, घूम घूम करके लाला के लिए आंगन में आनंद प्रदान करे। जरा तेज चले कन्हैया खिलखिला करके हंसे और बाबा को बड़ो आनंद आवे। ये कह रहो कोई बाके पिता ही नहीं। जैसे ही ज्ञान की बात करी, गोपियां उठ करके चल दी वहां से। अरे ठहरो, नहीं हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, ए ऊधो हमें ज्ञान की चर्चा ना सुनाना। ग्वाल वाल भी चले गए। रात बीत गई, नंद बाबा यशोदा से बात करते। सवेरे जमुना स्नान करने के लिए उद्धव पधारे, लौट करके आ रहे थे। गोपियों ने घेर लिया राधा रानी की अध्यक्षता में।
वृंदावन में एक जगह ज्ञान कुदड़ी, जहां गोपियों को ज्ञान देने का प्रयास किया था उद्धव ने। गोपियां कहने लगी, उद्धव संसार में बहुत स्वार्थी लोग होते हैं, जिससे जब तक उनका काम बनता है तब तक उन्हें याद रखते हैं, और जब काम की पूर्णता हो जाती है तो भूल जाते हैं। जैसे खगा बीत पलम वृक्षम भुक्ता चाथ तयो ग्रह अधीत विद्या आचार्यान ऋतजो दत्त दक्षिणाम। यज्ञ कराने के बाद यजमान आचार्य को भूल जाता है, पढ़ने के बाद विद्यार्थी गुरु को भूल जाते हैं, उपचार कराने के बाद रोगी डॉक्टर को भूल जाता है, जार पुरुष भोगने के बाद वेश्या को भूल जाते हैं। जिस फल पर, जिस पेड़ पर फल उगना बंद हो जाए पक्षी उस पर आना भूल जाते हैं, जिस तालाब में जल समाप्त हो जाता है पशु वहां जाना भूल जाते हैं, जिसका जिससे जब तक काम की पूर्ति होती रहती है, लगता है कि हम भी कुछ काम की रही होंगी, कभी श्री कृष्ण इतने वर्ष हमारे साथ रहे, अब ऐसा लगता है। दग्धम मृगा तथा अरण्यम, जिस प्रकार गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे खुला छोड़ देते हैं, शायद हम भी कोई काम की नहीं रही जो हमें छोड़ करके वो चले गए हैं। क्रोध करने लगी गोपियां, आपा खो बैठी, चिल्लाने लगी। राधा रानी का नहीं, ये दूत है, नीत विरोध न मारी है दूता। दूत तो केवल यहाँ का संदेश वहां, वहां का संदेश यहाँ देने के लिए रखा गया है। दूत को भेजा था संदेश देने के लिए, पर ये उपदेश देने लगा, इसलिए गोपियों को बुरा लगा कि केवल कन्हैया की बात कहता तो अच्छा लगता। कन्हैया कभी नहीं कह सकते कि उनकी कोई मैया नहीं, कन्हैया कभी नहीं कह सकते कि उनका कोई भैया नहीं। कि इतने में एक भंवरा राधा रानी के चरणों को कमल समझ करके मटराने लगा, गोपियां भौरे को ही माध्यम बना करके उद्धव को सुनाने लगी। भ्रमर गीत कहा है आचार्यों ने इन श्लोकों को, मधुपकित बंधो माशानी सपत्निया कुछ बिलुलित माला कुंकुम अश्वभिरना बहत मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादम यद सदस्य विडम्यम यस्य दूत स्वमीद्रक। अरे ओ भौरा, तुम में और तुम्हारे कृष्ण में बड़ी समानता है, तुम भी काले हो वो भी काला है, पर ऐसा लगता है तुम केवल बाहर से ही काले हो, पर वो कपटी कन्हैया भीतर से भी काला है, कभी हमारी याद ही नहीं करता। तुम्हारे माथे पे जो पीला निशान है लगता है तुम भी कुब्जा का चंदन लगवा करके आनंदित हो रहे हो कृष्ण की तरह। सुकद धर सुधाम स्वाम मोहनी पायित्वा सुमन शिव सदस्य जेष्मान भवात्र परिचरित कदम तत्पाद पदमं तु पदमा हिपिपति देता उत्तम श्लोक जल पई। तुम दोनों मित्रों की आदत भी एक जैसी है, जैसे तुम कली कली का रस चाखते मडराते रहते हो इधर उधर, ऐसे भी उनका मन हो सकता है हमसे भर गया हो। वो आज मथुरा में आनंद ले रहे हैं, कुब्जा के संग विराज रहे हैं। किम बहु षडंधे गायसी तुम यदो नाम अधिपतिम अग्रहाणाम अग्रतो न पुराणम। क्या तुम कथा वाचने उनके बारे में परिचय कराने हमें बताने आए हो? हम उनको पहले से ही जानती हैं, पेड़ के पीछे छिप करके बाण मार करके बाली को मार डाला था, छिप करके प्राण देने की आदत पुरानी है, आज मथुरा में छिप करके वो हमारे प्राण लेना चाहते हैं। अरे ये तो त्रेता युग की कथा है, हम तो और पहले से जानती हैं उनको। बलिपे मधिपत्वाद वेष्ट यद्वांगवदीय सदलम सिद्ध सख्य दुष्ट जन कदार्थ। राजा बलि के यहां बामन अंगुल का बामन बनकर के गया, और नापते समय क्या आकार बढ़ाया है, सब कुछ छीन लिया। सलिया ने हमको भी कहीं का नहीं छोड़ा है, हमारा भी सब कुछ छीन लिया है।
गोपियों जब इतना बुरा किया तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, उसको भूल क्यों नहीं जाती। एक घर में आग लग गई, सब कुछ जल करके खत्म हो गया, सवेरे से लेकर दोपहर तक आग बुझाई, शाम को भूख लगी, भोजन बनाना है लेकिन आग जलाने के लिए कुछ है नहीं, पड़ोसन के यहाँ गई थोड़ी आग दे दे, रसोई बनानी है। वो बोली बहन जिस आग ने सारा घर खाक कर दिया उसी को मांगने के लिए आ गई, क्या करें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनके बिना रहना संभव नहीं है, जीना संभव नहीं है, हम भी जिसे प्रेम करते हैं उसके बिना नहीं जी सकते हैं। ऐसे के पाले पड़ी घर की रही न घाट की, ऊधो दूजो चल सके चूल्हे हंडी काठ की। इतना बता दो उद्धव के वो लौट के कब आएंगे। रथ में बैठ गए, हमने निकट जाकर के पूछा कन्हैया कब आओगे, बस परसों आ जाऊंगा। बहुत झूठे हैं, लवार हैं, परसों की गयो कह के घर सो, बीती बरसों न भई परसों, मन में बेथा तन पीरो भयो, सरसों सी करी बैरे ने परसों, मन की अब बात मन में ही रही, निज भाव कहूं कैसे परसों, जी में आवत उड़ जाए मिलूं, पर कैसे उड़ूं मैं बिना परसों, ऊधो जी लाओ ब्रज में हर को, कर जोड़ पाव तेरे परसों, परसों की गयो कह के घर सो, बीती बरसों न भई परसों। उद्धव यदि हमारे ठाकुर जी को ला करके दे दो तो आनंद आ जाए। एक काम करो गोपियो, दान व्रत तप होमो जप स्वाध्याय संयमी, थोड़ा दान पुण्य करो, दान पुण्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दान वो करे जिसके पास कुछ बचा हो, सब कुछ तो उनको भेंट कर दिया, तन मन धन सर्वस्व। यज्ञ करो, ले यज्ञ तुम थोड़ी देर करते होंगे, हम तो हर समय यादों की आहुति विरह की अग्नि में स्वाहा करती ही रहती है। योग कर लो। अच्छा, आसन लगा के योग होगा क्या? योग तो वहां जुड़ चुका है, नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते, कृष्ण ही हमेशा हमारे ध्यान में रहता है, हमें प्राणायाम की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय कर लो, उनके बारे में पढ़ लो, जान लो, हमारी श्वास में कृष्ण, हमारे रग रग में कृष्ण, हमारे रोम रोम में कृष्ण, हमारे ध्यान में कृष्ण, सोते कृष्ण जागते कृष्ण, जितनी बात उद्धव कहें सारी बात गोपियां बहा देती हैं, चरणों में गिर पड़े। प्रेम बजाई धुंधवी, ज्ञान बजाई धुंधवी, प्रेम बजायो ढोल, ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। प्रणाम करके उद्धव जी ने कहा हम जा रहे हैं। जा रहे हो, एक पत्र ले जाओ, ले जा करके कन्हैया को दे देना। एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, एक चुंदरी लेकर के आई, यही है हमारा पत्र, ले जा करके दे देना। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें जो लिखा है केवल वही पढ़ पाएंगे, ये वही चुंदरी है, 6 महीने की रास लीला करते जब अंतर ध्यान हो गए थे, प्रकट हुए थे, हमने इसी पर बिठाया था, इसे देख करके याद आएगा कि 6-6 महीने जो गोपियां घर बार छोड़ करके मेरे निकट मेरे सानिध्य में रही, वो मेरे बिना कैसे रह पा रही होंगी। उद्धव जी ब्रज गोपियों को प्रणाम करके मथुरा पधारे, श्री मथुराधीश के चरणों में आकर के गिर पड़े, चरणों में सर को लखकर रोने लगे, आंसुओं की धारा बह निकली, चरण गीले हो गए। क्या बात है उद्धव, करुणा में रसिकता तुमरी सब झूठी,
प्रेम को स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। कन्हैया आप प्रेम करना नहीं जानते हैं, प्रेम करना तो वो गुजरी गंवारी ब्रज की गोपियां ही जानती हैं। सही कह रहे हो तो एक बार जरा निगाह उठा करके हमारी तरफ देख तो लो। जैसे ही उद्धव जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के अंग अंग में अनेक अनेक गोपियों का दर्शन होने लगा। बोलो गोपीनाथ भगवान की जय। ये क्या दिखाई दे रहा है प्रभु? जब मैं गोपियों के बीच में था लगता था आप यहीं हैं, कहीं छिपे हैं, इनके ही बीच में हैं, और जब आपके पास हूं तो लगता है कि गोपियां चारों तरफ हैं, गोपियों में आप में गोपियां, फिर मुझे काहे को बीच में लिया था? उद्धव मुझे प्रेमी पसंद है, मुझे ज्ञानी पसंद नहीं है, तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का बड़ा गुरूर है नहीं था। ये वृंदावन प्रेम की पाठशाला है, ये ब्रज भगवान के प्रेम की पाठशाला है, पढ़ने के लिए तुम्हें भेजा था। कूदो है जाओगे संत कन्हैया, आज तक कुछ नहीं मांगा, आज एक वरदान मांगना हूं, मांगो। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु में भीक्षण या साम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। मेरे जितने भी जन्म हो मुझे ब्रज की रज का कण बनाना, मुझे गोपियों के चरणों की रज का कण बनाना, गोपियों के चरणों का स्पर्श भी मिल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो गोपीनाथ भगवान की जय। कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के यहां चली गई। इधर भगवान ने कुब्जा का और अक्रूर जी का मनोरथ पूर्ति किया। अक्रूर जी को भेज करके पांडवों की भुआ कुंती जी की खबर सुध जानी, और उधर कंस के ससुर मगधराज जरासंध को जब मालूम पड़ा, पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुखते वेदयांश क्रतु सर्वम आत्म वैधव्य कारणम। बेटियों को विधवा देख करके जरासंध के क्रोध का पारावार नहीं रहा, अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध मथुरा आ गया। चारों तरफ से मथुरा घेर ली, युद्ध करने के लिए कृष्ण बलराम को ललकारने लगा। एक रथ में कन्हैया, एक रथ में दाऊ भैया, कृष्णावतार में पहली बार हथियार धारण करे, अब तक तो राक्षसों को ऐसे ही मार दिया पटक के लटक के झटक के। एक रथ में मथुराधीश, एक रथ में बलराम जी सेना के सामने आ गए। कितनी बड़ी सेना, कल्पना करें, 23 अक्षौणी सेना, महाभारत में 18 अक्षौणी, लगभग दोगुनी। वहां लड़ने वाले एक तरफ पांचों भाई और उनके साथ उनके भी शुभचिंतक, यहां कोई लड़ने वाला नहीं है, अकेले हैं कृष्ण बलराम। ठाकुर जी कान में बोले, दाऊ भैया आप इनकी सेना का सफाया करो, ओ मैं थोड़ा इससे मनोरंजन करूं। मारोगे नहीं? बोले एक बार में मार दिया तो काम नहीं बनेगा, 75% पृथ्वी का राजा है, इसके पास बहुत बड़ी राक्षसी सेना है, जितनी ये लाएगा मारते रहेंगे, जाता रहेगा लाता रहेगा, पृथ्वी का भार हरण करना है, योजना बना करके काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि छोटे ही बड़ों की माने, बड़ों को भी छोटों की माननी चाहिए। बलराम जी ने कन्हैया की बात मान ली। हर पीढ़ी में विचारों का डिफरेंस होता है। अगर हम शिकायत करते रहे बेटा नहीं मानता, बहू नहीं मानती, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, बहुत बढ़िया उपाय है, आधी बात हम उनकी मान लें और आधी बात हमारी मानने को उनको तैयार कर लें, ऐसे समझौता कर लेना चाहिए। ये इक्विजिशन श्री कृष्ण कन्हैया की है। घर में यदि लागू करें, पति पत्नी कर लें, आधी आधी दोनों एक दूसरे की बात मान लें, भाई भाई कर लें, बाप बेटा कर लें, सास बहू कर लें,
जहाँ करेंगे वहीं आनंद आ जाएगा। बोलो मथुराधीश भगवान की जय। दाऊ जी महाराज युद्ध करने लगे श्री कृष्ण कन्हैया, ऐसी तलवार चला में ना तो मार रहे और ना हार रहे। सवेरे से संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो गया, श्री दाऊ जी ने सारी सेना का संहार कर डाला। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। हार गया, भाग गया जरासंध, दोबारा 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया है। बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 नहीं 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया। नारद जी को बड़ा मजा आ रहा है, राक्षस मारे जा रहे हैं, नारद जी ढूंढ ढूंढ के भिजवा रहे हैं। कालियवन नाम का बड़ा ही क्रूर राक्षस, जरासंध का मित्र, कंस का जानकार, नारद जी पहुंच गए उसी के पास। अरे राम राम राम, तुम्हें धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हारे जैसे मित्र को। अरे नारद जी क्या बोल रहे हो। मित्र उसे कहते हैं त्र, माने तीनों समय साथ रहे, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। तुम्हारे मित्र के दामाद को 11 वर्ष के लड़के ने पटक करके मार डाला, अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा जाके हार के आ चुका है। ऐसे में तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसकी सहायता करो, अगर मित्र हो तो। ऐसा तान पे चढ़ाया, खड़ा हो गया काले यवन, नारद जी सुनो, मैं जरासंध जैसी गलती नहीं करूंगा, एक बार में सारी सेना ले जाकर के उनका काम तमाम कर दूंगा। नारद जी बड़े खुश हो रहे, बोले बढ़िया, एक बार में चला जाए तो हमारे ठाकुर जी को भी बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लड़ते जाओ, मरते जाओ, जगह खाली करते जाओ, भगवान के पास बढ़ते जाओ, ऐसा हवा भर के भेजा। आ गया द्वार श्री मथुराधीश के सामने, जरासंध थक गए होंगे, थोड़ा आराम करो, मैं देखता हूं इसको। भगवान मुस्कुराए, दाऊ भैया आप इसकी सेना का स्वागत करें, मैं इसे देखता हूं। थोड़ी देर तलवार चलाई, भाग लिए आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे ये काले यवन, मथुरा से आगरा, आगरा से धौलपुर में है प्रवर्सन पर्वत, उसकी गुफा में कोई व्यक्ति सो रहा था। भगवान गुफा में प्रवेश करके बड़ी जल्दी पीतांबर उड़ा करके सिर से पैर तक सोए हुए व्यक्ति को उड़ा दिया और भीतर जाकर के छिप गए। भागा भागा कालीयवन आया, पीतांबर ओढ़े व्यक्ति को श्री कृष्ण समझ रहा है। कृष्ण बड़े छलिया हो, तुम जानते हो कि शूरवीर सोते हुए पर आक्रमण नहीं करते हैं, मैं भी तुम्हें जगा करके ही मारूंगा। जोर से लात मारी और सोया हुआ व्यक्ति जागा और आंखों से ऐसी रोशनी निकली कि काले यवन जल करके भस्म हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित बहुत ध्यान से कथा सुनता है, तुरंत बोल पड़ा, को नाम सपमान ब्रह्मन कस्य किम वीर्य एवच कस्मात् गुहां गत शिष्ये किम तेजो यवनार्दनम्। परीक्षित ने एक बार कथा सुनी, एक बार में कल्याण हो गया। हम लोग बार बार सुनते हैं फिर भी कोई चांस नहीं लग रहा है, क्यों? बोले ध्यान कहीं और रहता है। लगभग 15 मिनट बाद में राक्षस राज जरासंध की जय बुलवाऊंगा। जो लोग राक्षसों से प्रेम करते हैं, जो लोग भगवान के विरोधी हैं, वो लोग जय बोलेंगे, और जो लोग वास्तव में कृष्ण भक्त हैं वो जय नहीं बोलेंगे। देखते हैं 15 मिनट बाद क्या होता है, मैंने पेपर आउट कर दिया है। परीक्षित ध्यान से सुनता है, महाराज ये कौन था, काय को सोया था, आंखों में भस्म करने की ताकत कहां से आई। स इच्छा को ले जा तो मानदा तनियो महान मुचकुंद ख्यात हो ब्रह्मण्य सत्य संग्रह। मानदाता का बेटा मुचकुंद है, एक बार देवता दानवों की तरफ से युद्ध करने के लिए गया, इसके युद्ध करने से राक्षस हार गए
और देवता जीत गए। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, मैं श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन करना चाहता हूं। तथास्तु, कब होगा दर्शन? बोले अभी तो त्रेता युग शुरू हुआ है, द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार होगा तब दर्शन होगा। दो युग मैं क्या करूं? देवता बोले तुम सो जाओ, भगवान आएंगे तुम्हें जगा करके दर्शन देंगे। इसने कहा भगवान से पहले किसी ने सोते ही सोते काट दिया, जला दिया, मार दिया तो? देवताओं ने कहा हम वरदान देते हैं श्री कृष्ण के अलावा तुम्हें जो भी जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने जला के भस्म तो कर दिया काले यवन और खुद सामने प्रकट हो गए। आप कौन? भगवान ने कहा मुकुंद। राजा चरणों में गिर पड़ा, मेरा नाम मुचकुंद। राजा वरदान मांगो। महाराज मैंने ना जाप किया, ना यज्ञ किया, ना तप किया, ना योग किया, मैं कैसे वरदान मांगू? राजा तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। क्या किया? दो युग तक मेरे आने की प्रतीक्षा करी कि मैं आऊंगा, भरोसा किया तुमने मेरे ऊपर कि मैं आऊंगा। आजकल के लोग माला जपने बैठते हैं, बार बार झोली में झांक के देखते हैं, वो बड़ा वाला मनिया कब आएगा, कब माला पूरी होगी, गुरुजी ने क्या चक्कर में फंसा दिया। हम चाहते हैं माला हाथ में लेते ही कन्हैया सामने आ जाए। वरदान मांगो, कुछ भी नहीं चाहिए, नाइदर हेल्थ नॉर वेल्थ। क्यों नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया संवाद है मुचकुंद का और मुकुंद का। दुनिया के जितने सदकर्म हैं वो आपको पाने के लिए, श्री कृष्ण को पाने के लिए किए जाते हैं। परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण के लिए। कथा क्यों सुन रहे हैं? कृष्ण के लिए। दान पुण्य क्यों हो रहा है? कृष्ण के लिए। अब कृष्ण ही सामने खड़े हो गए हो फिर क्या मांगना? क्या इनसे भी सुपीरियर कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। कुछ तो मांगो, नहीं तो मैं दूंगा। वरदान दीजिए, जन्म जन्म आपके गुणगान गाते रहे। क्यों जी? भगवान का दर्शन करने के बाद तो दोबारा जन्म होना ही नहीं चाहिए। जो निष्काम भक्त हैं वो चाहते हैं बार बार जन्म हो, और सकाम भक्त चाहते हैं मोक्ष हो जाए। हम तो चाहते हैं कि बार बार ब्रज में हमारा जन्म हो। ठाकुर जी पधारे मथुरा, खबर मिल गई जरासंध को दोबारा आक्रमण करने के लिए आ गया। भगवान ने कहा दाऊ भैया सेना सिल्टानी है, इसे नहीं मारना, भीम के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। योग माया को बुलाया। योग माया, भारत के पश्चिम में समुद्र के तट पर सोने की नगरी बसाओ। आज मथुरा निवासी जब शयन करें सोते के सोते, तन मन धन जन के सहित इनको द्वारका पहुंचा दो। कृष्ण बलराम को छोड़ करके सभी लोग जो मथुरा में सोए, सवेरे उठे, चारों तरफ देखें सोने के महल बने हुए हैं, बड़ी अद्भुत नगरी है, इसका द्वार कहाँ है? द्वारका, द्वारका नाम द्वारका पड़ गया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। जरासंध आक्रमण करने आया, भगवान भाग लिए, और भागे भी कितना, मथुरा से लेकर के गुजरात तक, जूनागढ़ तक भागे, इनके बराबर कोई भाग भी नहीं सकता। एक गुफा में प्रवेश कर गए, जरासंध की सेना समाप्त है, कुछ चमचे रह गए थे बहुत ही खास दाएं बाएं रहने वाले, उन्होंने लकड़ी जंगल में लेकर के गुफा में, जिसमें कृष्ण गुफा में घुसे, उसके दरवाजे पर भर करके आग लगा दी। दोनों आज समाप्त हो जाएंगे, हमारे महाराज जीत गए। बोलो राक्षस राज जरासंध महाराज की। बहुत लोग जय बोल रहे हैं, यहाँ पे लगता है उसके रिश्तेदार लखनऊ में ही हैं। 15 मिनट भी नहीं, मैंने 12.5-13 मिनट में जय बुलवा दिए। बहुत से लोग प्रसाद के लिए आते हैं कथा में के बस 8 बजे और टूट के पड़े। चुनावों में कुछ कार्यकर्ता किराए पे लाए जाते हैं कि दायना हाथ उठाएं तो जिंदाबाद बोलना, बाएं उठाएं तो मुर्दाबाद बोलना, पैसा दे दो किसी की बुलवा लो।
इसी प्रकार कुछ भक्त तो कट्टर होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, कुछ पैसे के कार्यकर्ता होते हैं। भागवत में लिख रहा है कि भगवान के विरोधी की जय बोलने से नरक में जाना पड़ता है। एक बात और लिख रही है कि जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए और भगवान का नाम ले लिया जाए तो नरक में नहीं जाते हैं। आप लोग अनजाने में बोल गए हो, भगवान की जय बुलवाई जा रही है। जोर लगा के बोलना जितनी ताकत हो आप लोगों में, हर व्यक्ति को अपने पड़ोसी की कसम है। ठाकुर जी पहली बार मैदान छोड़कर के भागे, भगवान का नया नाम पड़ गया। बोलो रणछोड़ भगवान की, द्वारिकाधीश की, सांवरिया सेठ की, जय जय श्री राधे। भगवान द्वारका पधारे, जितने भी ऐश आराम हैं, जितना भी राज्योचित सुख है वो अपने पिताजी के लिए वसुदेव जी को राजा बना दिया, और जितना मेंटेनेंस झंझट है संभाल करनी है वो सारे डिपार्टमेंट अपने पास रखे। जीवन में यदि हमने धन कमाया और माता पिता को सुखी नहीं कर पाए तो वो धन का होना बेकार है, वो चूल्हे की राख के समान है। ये कथा क्यों हो रही है? केवल माता जी को प्रसन्न करने के लिए हो रही है कि हमारी माँ का मन लग जाएगा, हमारी माँ थोड़ी हरी भरी हो लेंगी, ठाकुर जी की याद कर लेंगी। बड़ा आनंद आ रहा है कि ऐसे भी बेटा बहू, ऐसे भी घर वाले होने चाहिए। जीवन में थोड़ा ही कमाएं, कई गुना हो जाएगा यदि उस कमाई से माता पिता को सुख दे सके। जितना आनंद है राज्य का देवकी वसुदेव को दिया जा रहा है, सारी जिम्मेदारी झंझट के काम श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ले रखे हैं। रेवत नाम के महाराज ने अपनी कन्या रेवती का विवाह श्री ब्रह्मा जी के कहने पर श्री बलराम जी के साथ में कर दिया। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। श्री दाऊ जी के विवाह का चरित्र सुनकर के परीक्षित के हृदय में आनंद का सागर उमड़ने लगा और प्रश्न कर दिया, बोले भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनाइए। कौन से विवाह की सुनाएं? 16108 हैं, 2-4-6 नहीं है। भगवान श्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमता, भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिति तेजसा, यथा मागध शाल्वादी जित्वा कन्यामुपाहरत। जैसे शेर अपनी बलि उठा करके ले आता है, सारे जानवर देखते रह जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच में से रुक्मणी जी को ठाकुर जी पढ़ना लाए, हमें रुक्मणी विवाह की कथा सुनाइए। राजा श्री भीष्म को नाम विदर्वाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। वर्तमान में जिसे महाराष्ट्र कहते हैं इसका पौराणिक नाम है विदर्भ। विदर्भ की राजधानी है कुंडनपुर, वहां के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 बेटे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, उनकी एक कन्या है रुक्मणी। हर गुण गाते वीणा बजाते नारद जी एक दिन पधारे। भीष्मक ने प्रणाम करके कहां से आ रहे हैं? द्वारका से आ रहे हैं। पहली बार नाम सुना है। कौन सा राज्य है? यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। थोड़ा सा द्वारका और द्वारकाधीश के बारे में बतलाइए ना। नारद जी को तो बहाना चाहिए भगवान के गुणगान करने का, वीणा के स्वर छेड़ दिए और जो कृष्ण कथा सुनाई। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 2 जने थे, राजा और राजा की बेटी रुक्मणी। रुक्मणी जी की भाव समाधि लग गई। नारद जी कथा सुना करके चले गए। पिता ने पूछा, बेटा ध्यान कहाँ है? मैं अपना सर्वस्व द्वारकाधीश के चरणों में समर्पण कर चुकी हूँ।
रुक्मणी क्या मैं तुम्हारा विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दूं? सिर झुका लिया, शर्मा गई। मौनम स्वीकृत लक्षणम। राजा ने 500 बेटों को बुलवाया, राजा ने राज्य बेटों को दे दिया। अब तो भजन करते हैं, वानप्रस्थ आनंद ले रहे हैं। रुक्मी जो इस समय का राजा है आकर के खड़ा हो गया। क्यों पिताजी, किस लिए बुलाया? तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है। मेरा मन है इसका विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में कर दिया जाए। तुम्हारा क्या विचार है? भगवान का नाम दुष्टों को सुहाता नहीं है। तिल मिला गया एकदम से, जैसे कोई गरम चिमटा लगा दिया हो इसके, एकदम से भड़क गया। वो कृष्ण द्वारका बारो, वो गैया चरावे बारो, वो रंग को कारो, नेक तो बिचारो, मेवा को सारो। ये बात कहीं जमेगी? एक राजा की बहन एक ग्वारिया को भी आई जाएगी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कान खोल करके सुन लो पिताजी, घर के कामों में टांग अड़ाना बंद कर दो। आपसे बिना पूछे मैंने रुक्मणी की सगाई शिषपाल के साथ कर दी है। बारात आने वाली है, विवाह होने वाला है। इच्छा हो तो आशीर्वाद देने आ जाना, और नहीं तो कमरे में बैठ के भजन करना, बीच में मत बोला करो। डांट करके चला गया। रुक्मणी जी ने जैसे सुना कि मेरी सगाई शिषपाल के साथ, कभी नहीं। इस दुष्ट के साथ जीवन का एक पल भी बिताना पड़ा, इससे अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, इस दुष्ट के साथ नहीं रहूंगी। एक ब्राह्मण देवता राजा के यहां पंचांग सुनाने के लिए आया करते थे। तिथि बारम च कर्णम च नक्षत्रम योगमेव च पंचांगम श्रमणे नित्य गंगा स्नानम फलम लभे। तिथि बार कर्ण नक्षत्र और योग पांचों को मिलके पंचांग बनता है। सुनना चाहिए, जानना चाहिए। पंचांग सुनने से गंगा स्नान का पुण्य मिलता है, महाभारत का श्लोक है। आज हम हिंदुओं की एक दशा मैं प्रकट करने वाला हूं। जितने लोग यहां बैठे हैं 50 साल तक की जिनकी उम्र हो और हिंदी के 12 महीनों के नाम याद हो, हाथ उठाएं। 50 साल तक की उम्र, चलो लखनऊ अच्छा है कि यहां इतने हाथ उठ रहे हैं। बाकी धीरे धीरे हम लोग हिंदी के 12 महीनों के नाम भूलते जा रहे हैं। कॉन्वेंट का प्रभाव है कि हम लोगों को, चलो मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आपको मालूम है, लेकिन अगली पीढ़ी को भी मालूम हो, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। यहां सब लोग संपन्न बुद्धिमान बैठे हैं, कुछ ऐसा करें कि अपने बच्चों को भी बताएं। हिंदुओं के बच्चों को नहीं मालूम है रामनवमी कौन से महीने में आती है, सत्य बोल रहा हूं। जन्माष्टमी कौन से महीने में आती है नहीं मालूम है। वैलेंटाइन डे कब आता है मालूम है। नव वर्ष कब आता है नहीं मालूम है। और हैप्पी न्यू ईयर कब आता है मालूम है। क्या हमारा काम इतना ही है कि उनको पढ़ने के लिए विदेश भेज दो, देश भेज दो, डॉक्टर बना दो, वकील बना दो, बहुत बड़ा कारखाना खुलवा दो, दुकान खुलवा दो? क्या इतनी ही जिम्मेदारी है हमारी? नहीं, हमारी चार जिम्मेदारी है। पहली है धर्म, धर्म में लगाएं। दूसरी जिम्मेदारी अर्थ, पैसा कमाना सिखाएं। तीसरा कामनाओं की पूर्ति संयम नियम के साथ। चौथा मोक्ष पाने का प्रयास भी सिखाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है। दूसरे की मां को अपनी मां समझना चाहिए, हमारा धर्म है। लेकिन दूसरे की मां को सिर पर बिठा लें और अपनी मां को उठा के बंद कोठरी में पटक दें तो बहुत जल्दी हमारा पतन हो जाएगा। अखबार में आता है, कहीं ना कहीं लिखा रहता है, आश्विन महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, यही हमारा अस्तित्व है। क्यों है अस्तित्व? हैप्पी बर्थडे आप लोग तारीख से मना लेंगे, लेकिन श्राद्ध में पूछते डोलते हैं, अष्टमी कब है, दादाजी का श्राद्ध करना है, पूर्णिमा कब है, एकादशी कब है। ये तिथियां ऋषियों के तपस्या से बनी है, इनके नाम से नाम होते थे लोगों के, ग्यारसी लाल जी, पूनम चंद जी, किसी का नाम 26 जनवरी जी, 2 अक्टूबर जी नहीं मिलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी संस्कृति को याद रखना,
हर हिंदू का कर्तव्य है सब लोगों को ध्यान रखना है, केवल पंडितों को याद नहीं रखनी है ये बातें। क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को, हर भारतीयों को भारत की बात याद रखनी है। श्री रुक्मणी जी ने भगवान को बुलाने के लिए एक प्रेम पत्र लिखा। सनातन इतिहास का सबसे पहला प्रेम पत्र है लव लेटर। लोग कहेंगे अभी तो संस्कृति बता रहे थे, अब लव के बारे में बात करने लगे। जैसा लव लेटर श्री रुक्मणी जी ने कृष्ण को लिखा है, देखा नहीं है अभी श्री कृष्ण को, अभी केवल सुना है, सुन करके ही समर्पण है। समर्पण हो तो रुक्मणी जैसा होना चाहिए। आजकल का नहीं क्या, झगड़ा हो गया एक प्रेमी प्रेमिका में, चल तू सारे मेरे लेटर वापस कर। प्रेमिका ने डला भरे ला के रख दिए, बोले अपने छांट ले और काला मुंह कर यहां से चल भाग। ऐसा सिस्टम नहीं है। जो लेटर लिखा है इसका मैटर बेटर है। आइए जरा देखें क्या कह रही है रुक्मणी जी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सन बताम दे निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चेत्रम पत्रपम मे। हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा माने सुनकर के, गुणान माने आपके गुणों को, मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पण कर चुकी हूँ। आप आओ और आकर के मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। तुम यह भी कह सकते हो कि मुझे क्यों बुला रही हो, तुम ही भाग करके आ जाओ। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो त्रिविण धाम विरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न प्रणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम। आप सर्व सामर्थवान है। प्रार्थना में भगवान से नरसिंह कहकर के संबोधन किया, हे नरसिंह आप सर्व सामर्थवान है, आप खंभा में से प्रकट हो सकते हैं, आपको आने की जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। मैं एक कुलवती कन्या हूं, मैं घर से बाहर निकलूंगी, बड़े सवाल बड़े जवाब, हल्ला मच जाएगा, मैं नहीं आ सकती का नहीं, आप आ जाओ। तन्मे भवान खलवृत पतिरंग जायाम आत्मार्पितस्य भवतो त्रिविभो विदेही मा भीर भागमपि पशर उच्चैते आरा गोवान युवन मृगपतिर बलि अम्बुजाक्ष। हे प्रभु आप डर मत जाना, जो मुझको जबरदस्ती विवाहने आ रहा है ये वो ही है जिसको नरसिंह बनकर के फाड़ चुके हो, मार चुके हो, जिसको राम बनकर के मार चुके हो, तीसरी बार ये दंत वक्र शिष्यपाल बनकर के आए हैं, पहले भी मारा है अभी भी मारना है, आपको आना पड़ेगा। बार बार नरसिंह कहकर के बुला रही हैं कन्हैया को, किस लिए? एक बकरी जंगल में जा रही थी, अकाल पड़ा, नीचे की घास और झाड़ियां सूख गई, केवल बड़े बड़े पेड़ रह गए हैं। अब बकरी पेड़ पर चढ़े तो चढ़े कैसे, अचानक शेर आ गया सामने से, दहाड़ मारी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बकरी ने नाटक किया, झूठ बोली, अरे क्या जमाना आ गया, धर्म नाम की चीज नहीं, तेरी माँ और मैं एक साथ पढ़ते थे, तुझे तो मुझसे मौसी कहना चाहिए और तू मुझसे कह रहा है खा जाएगा, काहे का राजा है तू। शेर को इमोशनल ढीला कर दिया, शेर बोला मौसी जी कोई आज्ञा बतलाओ, भूख लग रही है, घास नहीं है, झाड़ियां नहीं है, कोई उपाय करो जिससे मेरा पेट भर जाए। शेर ने दहाड़ मार करके हाथी को बुलाया, हे हाथी बैठो, हमारी मौसी को अपनी पीठ पर चढ़ाओ। अब खड़े हो जाओ, अब वो बकरी से हाथी की पीठ पर चढ़ करके पेड़ खाका करके एकदम बढ़िया हो गई। एक ऋषि ने ये दृश्य देखा और वहीं पर एक श्लोक लिख दिया, अल्पाश्रयो न कर्तव्यम कर्तव्यो महदाश्रय।
अजा सिंह प्रसादेना आरूढ़ा गजमस्तके। छोटे मोटे का आश्रय नहीं लेना चाहिए, आश्रय हमेशा राजा का लेना चाहिए। इधर उधर के देवताओं में भटकने की बजाय सीधा कृष्ण कन्हैया के चरण पकड़ लेने चाहिए। अल्पाश्रयो न कर्तव्यम, कर्तव्यो महदाश्रय। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, सुनकर के आनंद आ जाता है। अजा सिंह प्रसाद एना, अजा माने बकरी, शेर की कृपा से हाथी के ऊपर सवार होकर के मौत ले रही है। क्या हम भगवान का आश्रय ले लेंगे, हमें मौत नहीं मिलेंगी? अरे रोज मिलेंगी, लेकर के तो देखो। बोलो शिवाले कृष्ण लाल की जय। एक बात और लिख रही है नीति में, चक्री से भ्यो नृपस्य भ्यो नासे भ्यो केवलम नृपा, केवलम नृपसे भ्येन भूतो भवति पंडिता। ये नहीं कि राजा से जान पहचान हो जाए तो नीचे लोगों का हम अपमान करने लग जाए, नहीं, अभिवादन सबका करना चाहिए। कृष्ण की कृपा है लेकिन सारे देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। एक पंडित जी की राजा से मित्रता हो गई, सवेरे उठे नहाए धोए राजा के पास पहुंच जाए, और रात को जब राजा शयन कक्ष में जाता था तब पंडित जी अपने घर आते थे। बड़ा अभिमान आ गया, राजा के साथ खाते हैं, राजा के साथ पीते हैं, राजा के साथ घूमते हैं, राजा के साथ दरबार में सिंहासन लगता है। पंडित जी ने नीचे के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। मंत्री कहता पंडित जी राम राम, हे भगल हट, हम राजा के मित्र हैं, तुझसे राम राम थोड़ी करेंगे। अब तो जो भी राम राम करे पंडित जी उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी है। लोगों ने योजना बना ली, पंडित को मजा चखाना है। एक दिन पंडित जी आए, द्वारपालों ने दरवाजे पर ही रोक दिया, राजा ने मना कर दिया है पंडित जी से नहीं मिलना है, सकल नहीं दिख जाए दूर रखो। राजा कहे आज पंडित जी नहीं आए, बोले महाराज वो तो मर गए, खत्म हो गए। राजा से कह दिया पंडित जी मर गए, पंडित जी से कह दिया राजा तुम्हारी सकल नहीं देखना चाहता है। जहां जहां से पंडित जी प्रयास करें वही वही लोग रोक लें, सबने यूनिट बना ली है, यूनिटी बना ली है। राजा की सवारी निकलनी है, जिस रास्ते से निकलनी है उस रास्ते के पेड़ पर जाके पंडित जी पहले ही बैठ गए, राजा निकलेगा और मैं रथ में कूद पड़ूंगा मिलने के लिए। जैसे ही पंडित जी कूदे और सब जितने भी नौकर चाकर थे हल्ला मचा दिया, भूत भूत भूत, पंडित जी का भूत, राजा छोड़ के भाग गया। तब पंडित जी ने लिखा चक्री सेव्य, चक्री माने राजा जिसका चक्रवर्ती राज्य हो, सेव्य सेना चाहिए, नृप सेव्य ना सेव्यते केवलो नृप, केवल राजा को ही सम्मान नहीं देना है, जो भी जीवन में मिले सबको सम्मान देना चाहिए। केवलम नृप सेव्य न भूतो भवति पंडित, जीते जागते पंडित को भूत बना के रख दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्राह्मण देवता को रुक्मणी जी ने अपना पत्र दे दिया, जाकर के द्वारकाधीश को दे देना। एक शादी का कार्ड रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने भी छपवा दिया है, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ, वह भी दे दिया। द्वारका पहुंचे, एकांत पाकर के द्वारकाधीश को दोनों पत्र भेंट करे, पढ़ करके समझने में देर नहीं लगी, रुक्मणी जी का पत्र हृदय से लगा करके छिपा लिया। शिशुपाल वाला कार्ड लेकर के पहुंचे दाऊ जी भैया के पास। दाऊ भैया काय कन्हैया, कोई कुंदनपुर के राजा हैं, अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र आया है, चले जाओ, कन्यादान दे आना, लिफाफा पकड़ा है ना। कन्हैया मैं नहीं जाऊं, तू चलो जा। नहीं नहीं आप जाना चाहिए, आप बड़े। नहीं कन्हैया तू चलो, आप क्यों नहीं जा रहे? कन्हैया मेरो तो ब्याह है गयो और तेरो है नहीं रहो है, नेक्स्ट सज धज के जइयो, ऐसा के कहीं टांको फिट है जाए, काम बन जाए। दौड़ लगाई, सीधे रथ में आकर के विराजे, सारथी से बोले जल्दी रथ चलाओ, कहीं दाऊ जी महाराज का मूड बदल नहीं जाए कि कन्हैया तू रुक जा मैं जाऊंगा। शिशुपाल की बारात आ चुकी है, कृष्ण कन्हैया कुंडनपुर में पहुंच गए।
आज रात में बारात निकलेगी, बैंड बाजे तैयारी कर रहे हैं, झांकियां सजाई जा रहे हैं, रथ सजाए जा रहे हैं। भगवान का सारथी बोला, हे कन्हैया हमें बता देते कि बारात में निकलना है तो हम भी कोई झांकी वांकी तैयारी करके लाते। भगवान बोले, चिंता मत करो, रात को बारात निकले अपना रथ सबसे पीछे लगा देना, देखने वाले समझ जाएंगे आगे जो लवाजमा जा रहा है वे पीछे वाले राजा का ही है, मैन झांकी पीछे चलती है। बड़ी जोर की बारात निकली, जनवासी में जहां बराती ठहरे हुए थे, दूसरे दिन सवेरे कोई मंजन कर रहा है, कोई शेविंग कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, आपस में एक चर्चा चल गई बरातियों में, कल बरात में सबसे सुंदर कौन लग रहा था। कोई बोला जरासंध, कोई बोला शिशुपाल, कोई वहां पे भगत जी आए हुए थे, बोले भैया जो आनंद से कृष्ण के दर्शन करके आया पूरी बरात में किसी को देख करके नहीं आया। शिशुपाल मंजन कर रहा था, जैसे ही कृष्ण नाम सुना मंजन तो बंद हो गया, इंजन चालू हो गया, धक धक धक। ओ भगत जी, क्या तुम द्वारका वाले कृष्ण के बारे में बात कर रहे हो या कोई और कृष्ण आया है? भाई कृष्ण तो एक ही है, हाँ राम में कई चक्कर पड़ जाता है, सतयुग में परशुराम, त्रेता में दशरथ नंदन राम, द्वापर में बलराम, कलयुग में जगजीवन राम, काशी राम कई राम है, लेकिन कृष्ण की डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है। कृष्ण तो एक ही है द्वारका वाले। जैसे कृष्ण नाम सुना घबरा गया, मोबाइल निकाला, रुक्मी कम टू मी जल्दी आओ, रुक्मी दौड़ा दौड़ा आया, जीजा जी रात को चौके भले सोए सवेरे क्या हो गया, रुक्मी क्या तुमने वो द्वारका वाले कृष्ण को बुला लिया है? पांच भाई सेनापति मंत्री सबने मिलकर के कार्ड बांटे, हो सके भिजवा दिया होगा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं जीजा जी? बोले परेशानी की बात है, जिस कार्यक्रम में ये महोदय पहुंच जाते हैं द्वारका वाले, वहां कार्यक्रम नहीं होता है, वहां क्रियाकर्म होता है, जल्दी से अपनी बहन को बुलवाओ और हमारे फेरे पड़वाओ। अभी हमारी बहन नहा करके चुकी है, सहेलियों के साथ पराम्बा पार्वती का पूजन करने जाएगी, उसके बाद विवाह की कार्रवाई शुरू होगी। कितनी दूर है पार्वती जी का मंदिर? ज्यादा नहीं, दो कोस। शिशुपाल बोला, मुझे तो होश पहले ही उड़ता दिख रहा है, दो कोस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ऐसा करो ना, पहले फेरे पड़वा दो बाद में पूजा करा देना। नहीं नहीं, पंडित जी ने गोधूली का मुहूर्त निकाला है। शिशुपाल मुनिमन में बोला, मुझे तो धूली पहले ही उड़ती दिख रही है, गोधूली होगी कि नहीं होगी? जीजा जी आप चिंता मत करिए, आपने भी इंतजाम नहीं देखा है, पार्वती जी के मंदिर तक रुक्मणी जी के महल से चतुरंगणी सेना सजाई गई है। शिशुपाल ने कहा, चिड़िया भी दिखाई दे जाए तो फट से शूट कर देना। रुक्मी बोला, जीजा जी हम बहन का विवाह करने बैठे हैं, चिड़िया मारने बैठे हैं यहाँ पर? चलिए, ऐसे सेहरा पहन करके गलियों में घूमते अच्छे नहीं लगते, आपके कमरे में टेलीविजन लगा दे रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा, और आजकल के जो समाचार चैनल हैं एक ही खबर को तब तक बताते रहते हैं जब तक पहाड़े की तरह याद नहीं हो जाए, गिनती की तरह बच्चा याद नहीं कर ले, बोलते ही रहते हैं, आपको भी हर बात बार बार बताई जाएगी। रुक्मणी जी पूजा का सामान लेकर के पहुंची हैं मंदिर में, आज पार्वती की पूजा करते करते आंसू छलक गए, माँ बचपन से पूजा करती हूँ, आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। नमस्ते त्वाम के भीष्णम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। पार्वती जी प्रकट हो गई, वरदान दे डाला, मन जाहि राते हो मिलहि सो वर सहज सुंदर साविरो सहेलियों से कहा, जरा बाहर जाओ, जाकर के देखो कहीं सांवरिया मोर मुकुट वंशी वाले कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? सहेलियां कहीं थोड़ी देर बाद लौट करके आ गईं, क्या हुआ?
ना तो दिखाई दे रहे हैं ना दिखाई दे सकते हैं। क्यों? तुम्हारे भाइयों का इंतजाम इतना ठाड़ा है, उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। रुक्मणी जी मुस्कुराने लगी, क्यों हंसी आ रही है तुम्हारी बातों पर? सारी दुनिया की हस्ती एक तरफ, दीनानाथ का इशारा एक तरफ, जब वो कृपा करते हैं सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। जरा देखो ना, हमने तो देख लिया, अब तुम खुद चल करके देख लो। रुक्मणी जी सहेलियों के साथ मंदिर के बाहर चबूतरा पर आई, जो घूंघट उठाया इतना तेज प्रकाश हुआ, सारे सैनिक हथियारों को गोदी में रख करके आंख मसलने लगे। भगवान ने देखा ये बढ़िया मौका है, ठाकुर जी आ गए। आ तो गए पर कंफ्यूजन होने लगा, क्यों? आजकल दुल्हन सजे तो सजे, संग की सहेली इतनी ज्यादा सजती हैं कि दूल्हा इसे छोड़ जाए और हमें ले जाए, होगी सो देखी जाएगी। भगवान ने भी सोचा कहीं ऐसा नहीं उठा करके ले जाए, ये कहे मैं तो रीता हूँ रुक्मणी नहीं हूँ, फिर पहुंचाने आना पड़े और कहीं अरेस्ट हो जाए। ठाकुर जी ध्यान से देख रहे, इतने में निगाह पड़ गई कि हाथों में कंगना दिख गया, दूल्हे के बहू के कंगना बांध देते हैं, यही रुक्मणी है। भगवान झट से उनके सामने प्रकट हो गए, बोलो द्वारिकाधीश की जय। आप कौन? भगवान बोले हम सांवरिया। आह, नारद जी ने बतलाया था कि आप तो बजाते हो बांसुरिया, जरा बजा करके दिखाओ ना। भगवान बोले इतने सैनिक दिख रहे हैं? बोले हाँ दिख रहे हैं, जो मैंने बजाई बसुरिया और इनने तोड़ी मेरी पसुरिया, हड्डी पसली तोड़ देंगे। सीधे रथ में विराजो, द्वारका में बंसी बजेगी। उठा करके रुक्मणी जी को रथ में बिठाया, दौड़ा दिया, ले गयो ले गयो ले गयो, हल्ला है गयो। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। सारे चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज, वो मोर मुकुट बंसी वाला रुक्मणी जी को रथ में बैठा के ले गया। मैं मंदिर का पुजारी कैमरामैन, क्या नाम है आपका, आपके साथ आज तक टिंग टोंग। जो खबर आई शिशुपाल बेहोश हो गया। रुक्मी रुक्मी दौड़ा दौड़ा आया, जीजा जी क्यों बेचैन हो रहे हो? तुम तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ये क्या मार के रख गया? चिंता ना करें, मैंने सारी सेना दौड़ा दी है, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएंगे। द्वारका में विराजमान दाऊ जी के हृदय में बेचैनी हो रही है। शिशुपाल दंत्रवक विदुरथ दुर्योधन सबरी चांदलाल चौकड़ी घट्टी होगी, कहीं मेरे कन्हैया को सताए नहीं। हल मूसल लेकर के रथ में बैठ करके दाऊ जी चल दिए कुंडनपुर की ओर। भगवान द्वारका जा रहे हैं, दाऊ जी कुंडनपुर आ रहे हैं। बीच रास्ते में दोनों भाइयों के रथ आमने सामने आ गए, कन्हैया घबरा गए। हे भगवान, सामने से बड़े भाई साहब आ रहे हैं और इधर से छोरी भगा के ला रहे हैं, आज तो मार पड़ेगी। कन्हैया ठहरियो ठहरियो ठहरियो, दाऊ भैया प्रणाम। कन्हैया तू? जी हाँ। कन्हैया तू तो ब्याह में गए हो ना, जल्दी कैसे आ गए हो? भगवान बोले वहां सबरे काम जल्दी से लट गए, जालिए जल्दी आ गए हो। कौन को ब्याई? अब ब्याई हो तो बता, मैं भगा के ला रहे क्या बताते। नीची निगाह कर ली, तो को ब्याई? जी हाँ। काए? बोले पीछे बैठी है रथ में। आ मेरी बड़ी इच्छा ही कन्हैया तेरो ब्याह है जाए, बहु लेके द्वारका चलो, बड़ी जोर को महामहोत्सव बनाएंगे। इतने में देखा पीछे से सेना आ रही है। ठहरियो ठहरियो कन्हैया, ये इतने सारे लोग जो पीछे से आ रहे हैं, ये तो पहुंचा भी आ रहे हैं कि दहेज को सामान लेके आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? भगवान बोले दाऊ भैया, ना तो पहुंचा भी आ रहे ना दहेज को सामान लेके आ रहे, तो बोले कूट वे आ रहे हैं। क्या बात हो गई? बोले इनके घर का झगड़ा ये जाने, मेरे ऊपर तो वैसे ही लगड़ा मचाए हुए हैं। तेरी गलती नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं है, भले ही SIT जांच करा लो। तो कन्हैया तू चल, मैं देखता हूँ। दाऊ जी महाराज ने हल मूसल हाथ में ले लिए और जो सेना आई, हल से हाथी का पैर खेचे, मारे मूसल टमाटर की तरह फोड़ करके रख दे। आधी सेना मारी, आधी भाग गई। दाऊ जी बोले ए आते हो कि नहीं आते हो? सैनिक बोले आते क्या मरेंगे,
ना तीर चलाते हो ना तलवार चलाते हो, सीधे डाकखाने की सी मोहर लगाते हो और ऊपर भेज देते हो, हम नहीं आएंगे। सब भाग गए। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। दुष्ट रुक्मी छोटे रास्ते से जाकर श्री कृष्ण के आगे रथ आड़ा अड़ा दिया, नंगी तलवार लेकर के चढ़ गया रथ पर। जो तलवार उठाई भगवान ने हाथ मरोड़ करके तलवार छीन ली। अब की बार श्री द्वारकाधीश ने तलवार उठाई, रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़ी और कहा, दृष्ट्वा भ्रात पदोद्योगम रुक्मणी भय विहुला, हे प्रभु आप ब्रह्म हैं, ये जीव है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप इसको मार देंगे तो मुझे कलंक लग जाएगा, बहन के विवाह में भाई मारा गया, मेरा निवेदन है कि आप इसे छोड़ दें। बहन भाई चाहे कितनी भी उम्र हो जाए प्यार बराबर रहता है। और कुछ लोग फायदा उठाते हैं, मोहल्लों में बहुत से मांगने आते हैं, पप्पू की मम्मी राजू की मम्मी कुछ देना, महिलाएं बाहर झांक के देखती हैं कौन चिल्ला रहा है, जैसे ही झांकी सोई वो मांगने वाले कहते हैं ना तेरे भैया भतीजे बने रहे हैं कुछ तो लाओ, और जाएंगी कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएंगी। अगर मांगने वाला कह दे कि तेरे देवर जेठ बने रहे हैं तो कह देंगी सब बने हुए चल चल आगे बढ़, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, भैया भतीजे के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कन्हैया ने कटार निकाली, आधे बाल आधी मूछ आधी दाढ़ी काट बांध करके पटक दिया, दाऊदी महाराज आए बंधन मुक्त कराया भगा दिया, द्वारका में लेकर के पधारे। द्वारका में घर घर में महामहोत्सव मनने लगा, द्वारकायाम भूत राजन महामोद पुरोहक साम रुक्मण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्ण श्रिय पदेम। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। यही कथा को विराम कर रहे हैं, आज मेरे शाम की शादी है और कल कथा का समय 9 बजे से 12 बजे तक है, फिर हवन और कल ही विसर्जन समापन। सभी लोग 9 बजे आने की कृपा करें, भोजन प्रसादी कल भी रखी गई है, सभी समय से आएंगे। आइए दो बधाई गा लेते हैं, भगवान का विवाह महोत्सव मना लेते हैं, जिनको नाचना आता हो वो आगे आकर के भगवान के विवाह में शरीक हो जाएं, शामिल हो जाएं। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ऐसा लगता है सारे शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, आओ शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। Yeah.